इस पार्ट पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने बहुत से कमेंट ऐसे पढ़े, सैकड़ों कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें ये लिखा है कि सर प्लीज इस पार्ट पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बनाई है। एक्चुअल में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, न चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसका कारण ये है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। इसीलिए मुझे मेरा मन नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मजबूरीवश आपकी चाह ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बच्चों आपके कमेंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो कमेंट्स करते रहा करिए अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो नई नई वीडियो देखने के लिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट पर वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। अतीत में दबे पांव, यह पाठ ओम थानवी जी द्वारा रचित है। लेखक इस पूरे पाठ में वर्णन करते हुए लिखता है कि मैं जब यात्रा करने गया मोहनजोदड़ो लेखक यात्रा करने गया था, तो वहां बहुत सी वस्तुएं देखी उसने, बहुत से घर देखे जो अब खंडर हो चुके हैं। उन वस्तुएं और खंडरों से एक अनुमान लगाया गया है कि वहां का जीवन किस तरह का हुआ करता था। और ये जीवन कोई आज का नहीं है, आज से 5000 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं या पढ़ चुके होंगे। मोहनजोदड़ो के कई नाम है, वैसे मोहनजोदड़ो भी कह देते हैं, मोहनजोदड़ो भी कह देते हैं, आप भी अलग अलग नामों से जानते होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई नाम जानते हैं तो एक बार जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मोहनजोदड़ो में जो वस्तुएं मिली हैं उनसे एक अनुमान लगाया गया है कि वहां का जीवन होता कैसा था, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह के उनके कमरे हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता था, ये सारी चीजें एक अनुमान लगाई गई हैं। हालांकि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अनुमान भी कोई प्रूफ से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मिली वस्तुएं हैं वो एक तरह का प्रूफ ही है कि उस समय यहाँ पर ये सब चीजें हुआ करती थी और इन चीजों का इस तरह से इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीजें इस पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अतीत में दबे पांव पाठ का नाम का अर्थ आप जान लीजिए। अतीत का मतलब है पास्ट यानी भूतकाल। भूतकाल में जो दबे पांव हैं, यानी कि हमारा भूतकाल किस तरह से हुआ करता था, वो इस पूरे पाठ में वर्णन है। तो अतीत में दबे पांव, जो पांव दब चुके हैं पहले के प्राचीन काल में जो लोग रहते थे उसके बारे में, उनके बारे में इस पूरे पाठ में वर्णन किया है। इसीलिए इस पाठ का नाम, इस पाठ का शीर्षक यही रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। हड़प्पा के बारे में आपको इस पाठ में न के बराबर पढ़ने को मिलेगा, मतलब मुश्किल से 3-4 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर मोहनजोदड़ो के बारे में वर्णन है इसमें। तो हड़प्पा के बारे में जो बातें की गई हैं वो बस थोड़ी बहुत ही। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूरे भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन क्षेत्र हैं। ये पहली लाइन में बताया गया कि मतलब सिर्फ इंडिया के ही नहीं पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। परिपक्व का क्या होता है? परिपक्व का मतलब होता है जो बिल्कुल अनुभवी हैं, जो पक चुके हैं, अनुभव हो चुका है जिनको, विकसित हो चुके हैं, ऐसे दौर के ये शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, सिर्फ ये दो ही नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। यानी उस टाइम की अगर बात करें तो बाकी शहरों की तुलना में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है जो प्राप्त हुआ है। मतलब शहर तो और भी मिले हैं लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, और वह सबसे उत्कृष्ट भी है, मतलब सबसे उत्तम भी है। इसके बारे में जो अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं वो भी अब लेखक बताएगा। देखिएगा, व्यापक खुदाई यहीं पर ही संभव हुई है। मतलब सबसे ज्यादा जो खुदाई हुई है, व्यापक मतलब बड़े रूप में सबसे ज्यादा जो खुदाई हुई है वो यहीं पर ही हुई है। यहीं पर कहां पर? मोहनजोदड़ो में। बड़ी तादाद में इमारतें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, धातु पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, चाक पर बने चित्रित भांडे, भांडे का मतलब बर्तन, चित्रित बर्तन मिले हैं चाक पर जो बने हुए हैं। चाक मतलब समझते हो ना, कुम्हार जब कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो गोल गोल घुमाता है किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी पत्थर को, उसी को चाक कहते हैं। तो चाक पर जो चित्रित भांडे हैं यानी बने हुए बर्तन हैं,
वो भी मिले हैं, मोहरें भी मिली हैं, मोहरे यानी स्टैंप, साजो सामान और खिलौने आदि भी मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है, सभ्यता का अध्ययन हुआ है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से रहती थी इसके बारे में अध्ययन शुरू हो गया है, शुरू हुआ था। उधर सैकड़ों मील दूर एक और शहर भी है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य माने सबूत, ज्यादातर सबूत या प्रूफ रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए, यानी विकास हो गया वहां पर, इसीलिए वो उसकी भेंट चढ़ गए, यानी कि वो बरामद नहीं हो पाए, वो प्रूफ जमीन पर ही दबे, जमीन में ही दबे रह गए। बच्चों इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, पहले इस पाठ को पढ़ लेते हैं, वो भी बताता हूं मैं आपको। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो में एक धारणा बनी हुई है कि वह घाटी की सभ्यता का एक केंद्र रहा होगा, केंद्र का मतलब एक सेंटर रहा होगा, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है भारत की, ठीक ऐसे ही ये भी एक सेंटर रहा होगा उस समय, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी इतना बड़ा था, आबादी कोई 85,000 थी। अभी 85,000 को देखते हुए आपको शायद ये कम लग रही हो कि 85,000 सिर्फ और इतना बड़ा शहर, हालांकि ये एक मोहल्ले या एक छोटे से शहर में भी मिल जाएगी, है ना 85,000, लेकिन उस समय की अगर आबादी देखी जाए और उस समय का ये एक रेशियो निकाला जाए कि उस समय आबादी कितनी थी और यहां पर 85,000 लोग रहते थे, 85,000 मतलब 85,000, तो 85,000 की संख्या कम नहीं थी उस समय, क्योंकि टोटल जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो इस समय मोहनजोदड़ो में 85,000 काफी ज्यादा संख्या हो गई। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, मतलब महानगर में भी इतनी संख्या नहीं होती, महानगर में हालांकि होती तो इससे ज्यादा ही है 85,000 से, लेकिन उस समय की बात की जाए तो आज के महानगर भी पीछे हैं, ठीक है। दिलचस्प बात यह है, अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, कि मैं साथ साथ आपसे कुछ प्रश्न भी पूछता चलूंगा, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें को या सो गए हैं, तो वही बच्चे सही जवाब दे पाएंगे जो ध्यान से सुन रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, मतलब कोई ऐसा हिल स्टेशन नहीं था, कोई पहाड़ी इलाका नहीं था, मैदानी क्षेत्र था वो। मैदानी क्षेत्र तो समझते हो ना, जैसे कहीं पहाड़ होते हैं तो वो हिल स्टेशन होता है, लेकिन जहां समतल स्थिति है वो मैदानी क्षेत्र होता है, तो ये मैदानी क्षेत्र था, लेकिन वहां पर एक छोटे छोटे टीले बने हुए थे, छोटे छोटे पहाड़ से बने हुए थे, पहाड़ तो नहीं कहेंगे उनको, टीले कह सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, और ये टीले कोई प्राकृतिक नहीं थे, यानी नेचुरल नहीं बने थे, ये बनाए गए थे जानबूझ के। क्या रीजन था? ये टीलों के ऊपर घर बनाए गए थे। टीलों के ऊपर घर क्यों बनाए गए थे? इसका रीजन ये था कि पास में ही एक सिंधु नदी बहती है, मतलब बिल्कुल पास तो नहीं है, कुछ किलोमीटर पर, लेकिन अगर उस नदी का पानी बाहर आ जाए या ओवरफ्लो हो जाए तो घरों में पानी घुस सकता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसकी सोच को लेकर, मतलब इस भविष्य की सोच को लेकर ही उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी, कि पहले से ही कुछ टीले बना दिए गए, थोड़े ऊंचे ऊंचे रूप बना दिए गए, उसके ऊपर घर बनाए गए, ताकि पानी अगर बाहर भी आ जाए तो घरों के अंदर प्रवेश ना करे। तो ये कितनी बड़ी सोच थी उनकी, कितना डेवलप था उस टाइम के लोग। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखिए, छोटे छोटे टीलों पर आबाद था, ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, मतलब कच्ची और पक्की ईंटों से मिलाकर एक टीले बना दिए गए थे, यानी ऊंचाई पर ले लिया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके, जो आप सुन ही चुके हो। चलिए, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर, आदिम मतलब पुराना शहर, पुराने शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं, मतलब आज भी वैसी ही लगभग मिल जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एक चित्र में देखिए, एक गली का दृश्य है, तो आप आज भी इस गली में जा सकते हैं, यहां की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, मतलब वहां पर जो सामान मिला है वो अजायब घर में है। अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम,
संग्रहालय, ठीक है, शहर जहां था वह अब भी वही है, मतलब जहां पहले शहर था मोहनजोदड़ो अब भी वही का वही बसा हुआ है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, पीठ टिकाकर बहुत आराम कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें तो हैं। वह एक खंडर ही क्यों ना हो, खंडर हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ दीवारें बची हुई हैं। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, सहसा मतलब जैसे किसी के घर में हम कदम रखते हैं तो बड़े ध्यान से रखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के घर भी इस तरह से सहेजे गए हैं कि हम जब वहां जाते हैं और खंडरों के अंदर प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, तो घबराहट सी होती है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है आज भी। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। अब इन तीन चार लाइन में क्या बता रखा है, इस तीन चार लाइन में यही पढ़ रहे थे हम कि वहां जितनी भी वस्तुएं हैं वो आज भी बिल्कुल एज इट इज हैं। एज इट इज का मतलब टूट फूट तो चुकी हैं लेकिन पता चल जाता है कि यहाँ रसोई हुआ करती थी, यहाँ दीवारें थी, ये गली थी, ये सारी चीजें अनुभव की जा सकती है वहां पर जाकर। ये सब लिखा हुआ था जो हम पढ़ रहे हैं। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। मतलब अगर आपने कोई तस्वीरें देखी हैं मिट्टी के रंग में, बिल्कुल एज इट इज आज आपको मोहनजोदड़ो में मिल जाएंगी ये सारी चीजें, जैसे बैलगाड़ी या वहां की गलियां, वहां की सड़कें, वहां के घर, चाहे वो खंडर हो चुके हैं, ये सारी चीजें। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां। अब ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको पहले समझ लो, इन दो लाइनों को, क्योंकि ये दो लाइनें अगर आपने पहले समझी नहीं तो पढ़ने से वैसे समझ में नहीं आएगी और इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी आएगा तो उससे उसका आंसर भी आपको इसी लाइन से ही मिलेगा। तो सुनो कि वहां पर जो सब खंडर हो चुका है तो ऑब्वियस बात है कोई छत तो है नहीं वहां पर, है ना, छत नहीं है वहां, सीढ़ियां तो है, कई घरों में सीढ़ियां तो हैं ऊपर जाने के लिए लेकिन वो छत न होने की वजह से वो सीढ़ियां अधूरी रह जाती हैं। तो आप किसी छत पर तो नहीं पहुंच सकते, किसी की छत पर तो नहीं पहुंच सकते उन सीढ़ियों से, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर, पायदान मतलब जो सीढ़ियों पर अधूरी जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर पैर रखकर एक अनुभव किया जा सकता है कि वहां के लोग रहते कैसे थे, क्योंकि उस ऊंचाई पर पहुंचने से सब घर सब खंडर दिखते हैं कि किस कहां गली है, कहां घर है, कि कहां कमरे हैं, कहां किचन हुआ करती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की कई चीजों से का आप अनुभव कर सकते हैं वहां अधूरे पायदानों पर। और जब आप अनुभव करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम इतिहास को नहीं देख रहे, इतिहास के भी पहले झांक रहे हैं, इतिहास के भी पहले का दौर देख रहे हैं। इतिहास के पहले का दौर मतलब हम जो पढ़ते आए हैं इतिहास, यानी जो 200 साल पहले का, 300 साल पहले का, 1000 साल पहले का, लेकिन यहां जब हम देख रहे हैं अधूरे पायदानों पर खड़े होकर, सीढ़ियों पर खड़े होकर, तो हमें 5000 साल पहले की सभ्यता दिखती है। तो वो इतिहास के भी पार देखना ही है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। सच है कि यहां किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, मतलब कहीं पहुंच नहीं रही, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप इतिहास को ही नहीं उसके पार झांक रहे हैं। मतलब आप इतिहास को नहीं देखते बल्कि इतिहास के भी पहले का जो दौर, इतिहास के भी पार आप झांक रहे होते हैं। तो बच्चों एक आपसे क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में कितनी जनसंख्या थी उस समय, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए अगर आप जानते हैं। तो देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बोध स्तूप है। अब इस बोध स्तूप के बारे में आप पहले सुन लो या देख लो पहले। ये बोध स्तूप है जो एक आपके चित्र में, आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो इस बोध स्तूप की विशेषता ये है कि ये आज का नहीं है, ये 5000 साल पहले का भी नहीं है, ये 2500 साल पहले का है। तो रखालदास बनर्जी एक नाम है जो पुरातत्ववेता है। पुरातत्ववेता क्या होते हैं? पुरातत्ववेता वो होते हैं जो पुरानी चीजों की खोजबीन करते हैं, प्राचीन जैसे वस्तुएं हो गई या खंडर हो गए, घर हो गए, इनकी खोजबीन करने वाले पुरातत्ववेता कहलाते हैं। तो रखालदास बनर्जी भी पुरातत्ववेता है। तो उन्होंने, रखालदास बनर्जी ने इसके आसपास जब खोजबीन करनी शुरू की तो उनको बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी मिली जो 2500 साल पहले की नहीं थी। 2500 साल पहले तो ये ही बना था बस, लेकिन इसके आसपास जो वस्तुएं मिली वो आज की नहीं, आज से और भी बहुत ज्यादा साल
पहले की, यानी 2500 से नहीं बल्कि लगभग 5000 साल पहले की वस्तुएं उनको मिली। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने आगे क्या किया, और फिर जब और खुदाई हुई तो फिर मोहनजोदड़ो का भी के बारे में भी पता चला, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद, यानी मोहनजोदड़ो जब बिखर गई तब उसके बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। ये जो स्तूप है ये जीर्ण शीर्ण टीले, जीर्ण शीर्ण मतलब कमजोर, कमजोर टीले पर बना हुआ है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, 25 फुट ऊंचा चबूतरा है जिस पर ये बना हुआ है, और 26 सदी पहले, 26 सदी मतलब 2600 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं, कमरे भी हैं। और 1922 में जब रखालदास बनर्जी यहां आए, रखालदास बनर्जी जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, 1922 में यहां आए थे, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द जब उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो उसके बाद उन्हें इल्हाम हुआ, इल्हाम मतलब अनुभव हुआ, अनुभव हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। ईसा पूर्व, ईसा मसीह जो 2000 साल पहले की जन्म मानते हैं, जब से कैलेंडर बना है तो अब से ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, तो ईसा पूर्व का मतलब हुआ उनके जन्म से भी पहले की निशान, निशान है यहाँ पर, यानी कुछ वस्तुएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये एक संस्था का नाम है जिसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है जॉन मार्शल। नाम याद रख लो, और शायद आपने पहले भी सुन रखा हो। ये थे मेन इंसान जो जिन्होंने मोहनजोदड़ो की अच्छी तरह खुदाई करवाई, खुदाई संभव हुई उनकी देखरेख में, ये सारी चीजें जॉन मार्शल के अंडर ही हुई, तो इनका नाम अच्छी तरह याद रख लो। जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, और ऐसा नहीं है कि जॉन मार्शल के डायरेक्शन में ही हुआ ये सब काम, और भी लोग थे, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की धेरी पर ले आई। धीरे धीरे इतनी खोज हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता उभर कर आ गई, यानी मोहनजोदड़ो उभर कर आया तो सिंधु घाटी सभ्यता सामने नजर आई, मतलब उनके बारे में पता चला। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, ये एक इराक के देश हैं जो प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र हैं। ऐसा माना जाता था जब सिंधु घाटी सभ्यता नहीं उभरी थी, तब जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता चला था, तब माना जाता था कि मिस्र और मेसोपोटामिया जो इराक के ही क्षेत्र हैं वो सबसे पुराने हैं। लेकिन 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 जब सिंधु घाटी सभ्यता का आविष्कार कह लो या खोज शुरू कह लो, खोज हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की, तो प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया इसने, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को इसी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मतलब इतनी पुरानी ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता, और अभी तक तो लोग ये मानते थे कि ये सबसे पुरानी है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के और ज्यादा खोजबीन करने पर पता चला कि ये सबसे ज्यादा पुरानी है, यानी लगभग 5000 साल पहले की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे ही देश की, आज तो खैर हमारे देश की नहीं कह सकते, यानी इंडिया की, इंडिया का क्षेत्र नहीं है ये, पाकिस्तान में आता है मोहनजोदड़ो। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में भी थी, हरियाणा तक, राजस्थान से होती हुई हरियाणा तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के अब क्षेत्र हैं, हिंदुस्तान के नहीं। तो ऐसा ही देखो, अब दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया, यानी साइंटिफिक रीजन मिल गया, वैज्ञानिक आधार मिल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। लेखक अपने बारे में बताता है कि जब मैं वहां यात्रा करने गया तो मैं पगडंडी को पार करके उसी स्तूप पर गया पहले, मतलब कौन से स्तूप, बौद्ध स्तूप जिसका मैंने अभी चित्र दिखाया था। इस पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया, अपलक मतलब आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, अपलक मतलब पलके बंद ही नहीं हो रही थी, हैरान करने वाला वो क्षेत्र था। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप क्या होता है, पृथ्वी का दृश्य है, पृथ्वी का एक ऐसा दृश्य है ये जो सबसे पुराना है, इससे पुराना कोई नहीं है, क्योंकि इससे पुराने जितने भी चीजें रही होंगी या थी वो सब नष्ट हो गई है या खंडर हो चुकी है, लेकिन ये अब एज इट इज है अभी तक। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी ही सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्यों में हजारों साल से लेकर पल भर पहले की धड़कनें बसी हुई हैं, मतलब हजारों साल पहले जब लोग रहते थे और अब थोड़ी देर पहले तक की
जो लोग यहां से होकर गए हैं, देख कर गए हैं, चाहे वो पर्यटक थे चाहे वो टूरिस्ट थे, जो भी थे, तो सालों से लेकर पल भर पहले तक की धड़कनें भी बसी हुई हैं। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो। अब आगे क्या लिखा हुआ है एक लाइन में, दो लाइन में, कि बहुत कुछ हमने पढ़ रखा हो, बहुत कुछ पढ़ रखा हो किसी के बारे में भी, किसी क्षेत्र के बारे में भी, या सुन रखा हो। जैसे आपके मित्र आप कहीं घूम कर आते हैं तो आपको बताते हैं कि मैं वहां गया, वहां पर मैंने ये सब देखा, लेकिन क्या उससे रोमांच आता है? अगर आता है तो कितना परसेंट? 2%, 10%, 20%। लेकिन 100% अगर रोमांच लेना है, मजा लेना है, तो वहां जाकर ही मिलता है। जो आपका दोस्त घूम कर आया है वो 100% लेकर आया है, वो हमें बता रहा है, तो हमें इतना रोमांच नहीं आएगा जितना वो रोमांच लेकर आया है। तो ये सारी बातें ही लिखी गई हैं अब आगे की दो लाइनों में, कि हम चाहे कितना ही पढ़ सुन लें किसी को, लेकिन देखना अपनी आंख से देखना कहलाता है, किसी से सुनकर मजा नहीं आता। ऐसा ही देखो कुछ लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना ही पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। बाकी तो सब आंख का झपकना है, वो कुछ देखना थोड़ी है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। यानी यात्रा अगर करनी है तो अपने कदम से करो, दूसरों की तो कदमों से करी तो वो कदम चाल ही कहलाएगी, वो कोई ज्यादा मजे वाली बात नहीं रहेगी। बच्चों, बोध स्तूप की खोजबीन कौन करना चाहते थे बताएंगे? एक बार देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मौसम जाड़े का था पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। मतलब दोपहर बहुत कड़ी थी उस समय जब वो लेखक यात्रा करने गया है मोहनजोदड़ो में, तो था तो मौसम जाड़े का, जाड़े का मतलब सर्दी का, लेकिन धूप बड़ी तेज थी, सारे आलम को जैसे फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। मतलब मोहनजोदड़ो में जब वो घूम रहा है तो वह राजस्थान की याद आ जाती है उसको, कि राजस्थान से मिलता जुलता इलाका है, रेत के टीले नहीं है। मतलब राजस्थान में तो रेत के टीले हैं, बस यहां पर रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहां है, वहां खेतों का हरापन नहीं है, यहां पर खेतों का हरापन है। यहां का मोहनजोदड़ो में, राजस्थान में खेतों का हरापन नहीं है, उसकी बजाय रेत के टीले हैं। इतना फर्क तो है, लेकिन मगर बाकी वही खुला आकाश है। जो सिमिलरिटीज हैं वो बता रखी हैं कि खुला आकाश है, सूना परिवेश है, धूल, बबुल का पेड़ होता है बबुल, और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, ये सब चीजें मोहनजोदड़ो में भी हैं राजस्थान में की तरह, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। धूप का मिजाज जुदा है, मिजाज मतलब स्वभाव। कई बार ऐसा होता है कि धूप आंखों को चुभती है, ऐसा भी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कभी कभी, कि आंखों को चुभती है। और कई बार ऐसा होता है धूप चाहे कितनी ही तेज हो लेकिन आंखों को नहीं चुभती, ऐसा कई बार आपने अनुभव किया होगा, अगर किया है तो बताना जरूर। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए, राजस्थान की धूप पारदर्शी है, पारदर्शी यानी आर पार निकल जाती है, लेकिन सिंध यानी मोहनजोदड़ो की, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंध की धूप चौंधियाती है, चौंधियाती यानी चुभती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे की जरूरी पुर्जे न घुमाएं। अगर आपको फोटो लेनी है तो अगर आपको ऐसे ही ले लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि रंग कहाँ है, क्योंकि वहां सब फीका फीका सा माहौल है, यानी कोई रंग रोगन तो ऐसा हुआ नहीं। तो कैमरे के जरूरी पुर्जे घुमाने पड़ते हैं, यानी सेटिंग्स करनी पड़ती है बड़ी अच्छी तरीके से, तब वो एज इट इज दिखता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे फोटो में रंग ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे हम, तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे की जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों में रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फायदा हुआ, इससे एक फायदा क्या हुआ कि बार बार जब हम तस्वीर उतारते थे तो हम बार बार देख रहे थे सामने जो दृश्य है, और फोटो को बार बार मिला रहे थे कि क्या एक जैसा फोटो है, या जैसा फोटो चाहिए था क्या वैसा आ गया है। तो इस तरह से हमें बार बार देखना पड़ता था उस बिल्डिंग को भी जिसकी हम फोटो खींच रहे हैं, यानी उस खंडर को या जो भी चीज है, तो बार बार देखना पड़ता था। तो हमारे वो दृश्य हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गए कि हमें आज तक भी एक एक चीज याद है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे देखो। पर इससे एक फायदा ये हुआ कि हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें यानी देखें तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं, जहन माने दिमाग में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। यानी तस्वीर देखकर याद करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही दिमाग में बैठ गए हैं।
स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है, मतलब जो स्तूप जिसकी मैं बात कर रहा था बौद्ध स्तूप, वो मोहनजोदड़ो के खास हिस्से में एक सिरे में यानी किनारे पर जाकर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, गढ़ नाम दिया गया है, यानी गढ़ वैसे होता है किला, यानी एक मेन चीज मेन जगह गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, अवस्थित मतलब उपस्थित होते थे, यहां इस क्षेत्र में उपस्थित होते थे। किस तरह के लोग, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता, यानी धर्म सत्ता से रिलेटेड लोग हो चाहे राजसत्ता से, बाकी शहर गढ़ से बहुत दूर बसे होते थे। बाकी के जो शहर थे वो गढ़ से बहुत दूर थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया, मतलब ये वाला रास्ता जो दूसरे शहर बने हुए हैं ये मोहनजोदड़ो ने ही रास्ता दिखाया। अब इस पैराग्राफ में भी हम लेखक जिस तरह की यात्रा कर रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, यही सब बातें हम इस पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। सभी अहम यानी मेन और अब दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में स्थित है। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन यानी जहां मीटिंग्स होती हैं, ज्ञानशालाएं हैं और कोठार मतलब गोदाम घर, वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है, अनुष्ठानिक यानी जहां पूजा पाठ होते हैं, ऐसा एक महाकुंड भी है। महाकुंड भी आपको मैं एक चित्र में दिखाता हूं, महाकुंड भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने में अकेला ही काफी माना जाता है। अब इस महाकुंड के बारे में सुन लो, चित्र में भी आप देख लीजिए कि महाकुंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता था और वहां पर सामूहिक स्नान होता था, जैसे कि आजकल भी आप देखते होंगे तीर्थ स्थानों में जहां लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ कह लो या कुछ भी धर्म के काम कह लो, वो सब वहां पर होते थे महाकुंड में। तो वो एक ऐसा महाकुंड है, चित्र में आप देख ही रहे होंगे। तो महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना गया है, मतलब ये वास्तु कौशल का सबसे बड़ा अच्छा नमूना है। वास्तु कौशल क्या है वो ध्यान से सुनो। जिस तरह से हमारे घर बने होते हैं कि हमारे घर की कमरे किस डायरेक्शन में होंगे, किचन किस डायरेक्शन में होंगे, आंगन जो है या लोबी है वो किस डायरेक्शन में होंगी, ये आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। कई लोग पंडितों से भी लिखवाते हैं कि दक्षिण की तरफ क्या होना चाहिए, इसी को वास्तु कौशल कहते हैं। ठीक है, वो आर्किटेक्ट जो बनाता है वो भी वास्तु कौशल से पारंगत होता है, इसी वजह से वो बनाता है कि तुम आप लोगों के घरों के कमरे किस तरफ होंगे। कई लोग अपनी तरफ से भी बना लेते हैं, वो एक अलग बात है, तो इसी को वास्तु कौशल कहते हैं। तो ये वास्तु कौशल का सबसे अच्छा नमूना है वहां जो महाकुंड बना हुआ है, यही इस लाइन में लिखा हुआ था। असल में यहां यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप में बहुत नजदीक बचा जा सका है, मतलब एक ऐसा महाकुंड है ये जो अपने मूल स्वरूप में है, जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है, मतलब इतनी उजड़ चुकी हैं, खंडर हो चुकी हैं सब चीजें, तो एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वहां के लोग रहते कैसे होंगे या घर के कमरे कैसे रहते बने हुए होंगे, तो ये तो एक अंदाजा भर लगाया जा सकता है। लेकिन ये एक महाकुंड ऐसा है जो अपने मूल स्वरूप रूप में मिला है, इसमें ज्यादा टूट फूट हुई नहीं है, तो कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है जो पहले की वस्तुएं हैं। लेकिन इन चीजों में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है महाकुंड के बारे में, क्योंकि वहां सब चीजें एज इट इज बनी हुई अभी भी हैं। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अब ये नगर नियोजन क्या है, इसको ध्यान से समझ लो कि नगर का नियोजन करना, नगर को बनाना, ये एक विशेष कला है मोहनजोदड़ो की, मतलब मोहनजोदड़ो में जितने भी घर बने हुए हैं, जितने भी गलियां हैं, सड़कें हैं, इन सब का यानी एक तरह की नगर की बसावट, नगर बसा हुआ है, किस तरह से बसा हुआ है, वहां की गलियां, वहां की सड़कें कैसी हैं, घर कैसे हैं, किस दिशा में है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नगर नियोजन कहलाती हैं। तो नगर नियोजन जो बहुत कमाल का बना रखा है मोहनजोदड़ो में, जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था कि वास्तुकला बहुत विशेष है यहाँ की, यही बात लेखक जोर देकर करते हैं इस पूरे पाठ में। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए, मतलब अगर आप बड़े चबूतरे पर खड़े हो जाएं, यानी ऊंचाई पर खड़े हो जाएं, तो आप देख सकते हैं कि नगर में क्या क्या चीजें कहां कहां क्या किस तरह से बनी हुई हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।
तो आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही माप सकते हैं, यानी समझ सकते हैं कि किस तरह का नगर बना हुआ है, सड़कें किस तरफ हैं, गलियां किस तरफ हैं, घर किस तरफ हैं, वगैरह वगैरह। इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हों, इमारतें तो अब खंडर हो गई हैं, यानी कुछ खास नहीं बना हुआ वहां पर इमारतें, अब तो वो खंडर हो चुके हैं, टूट फूट चुकी हैं, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर ही काफी है, खंडर ही काफी है कि खंडर ही बहुत है शहर की सड़कें, शहर के घर, शहर के रहन सहन, शहर का किस तरह से लोग रहते थे, ये सारी चीज दिखाने के लिए ये खंडर ही काफी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें, अच्छा एक खास बात यहाँ की ये है कि या तो सड़कें सीधी हैं मतलब इस तरह से, या फिर आढ़ी हैं, कोई भी सड़क तिरछी नहीं है इस तरह से, ये तिरछी सड़क होती है इस तरह की, तो ये सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी आज की कई जगहों पर, ये बहुत खतरनाक सड़क होती हैं इस तरह की सड़कें, आपको ने अनुभव भी किया हो, देखा भी हो, यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बने रहते हैं या और भी कई तरह के नुकसान हैं इस तरह के। लेकिन वहाँ की सड़कें यानी मोहनजोदड़ो की सड़कें की बात करें तो या तो वो सीधी हैं या फिर आड़ी हैं इस तरह से, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं, कमोबेश का मतलब ज्यादातर, अधिकतर सारी सड़कें या तो सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार यानी जो आर्किटेक्ट होते हैं यानी बनाने वाले, नगर का नियोजन करने वाले या घर को बनाने वाले, ये सारी चीज वास्तुकार होते हैं, तो ये वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, इसका नाम दे रखा है ग्रिड प्लान, और यही ग्रिड प्लान चंडीगढ़ में भी यूज किया गया था, और वैसे उसके बारे में अब लिखा हुआ है, देखिए आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में, सेक्टर मार्का कॉलोनियां जो होती हैं यानी सेक्टर में ही अगर आप देखो तो हमें आड़ा तिरछा नियोजन बहुत मिलता है, आड़ा तिरछा नियोजन यानी तिरछी सड़क होना, ये सारी चीजें अब हमें आम देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है, ये रहन सहन नीरस मतलब सेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ वहाँ के जो घर हैं या यूं कह लो कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, उनका नाम क्या है, वो काम क्या करते हैं, तो ये क्या है, ये सेक्टर मार्क का जो कॉलोनियाँ होती हैं बेशक कैसा ही नियोजन हो लेकिन वहाँ आपस में ही घर नहीं पता किसी को कि कौन रहता है, तो ये नीरस ही बनाता है रहन सहन को, ये नीरस ही बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है, अराजकता मतलब अशांति, शांति का न होना, अशांति कहते हैं इसको अराजकता, तो शहरों में जो नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ही मिल रही है आजकल, ब्रासिलिया ये जगह का नाम, या फिर चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के ही शहर हैं, मतलब इन शहरों में ऐसा ही देखने को मिलेगा जो हम ग्रिड प्लान की बात कर रहे थे पीछे यानी पिछले वाले पेज में, तो ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, आधुनिक नगर नियोजन का प्रतिमान है यानी ये बेस्ट हैं, इनसे अच्छा मतलब इस तरह के नगर नियोजन को फॉलो करना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रतिमान, प्रतिमान ठहराए जाते हैं यानी उच्च हैं, उच्चतम हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती हैं इस पर अभी बहुत शंका प्रकट की जा रही है, बहुत शंका प्रकट की जा रही है कि ये कितने विकसित हैं अभी मोहनजोदड़ो के मुकाबले या उस समय जिस तरह से लोग रहते थे, उनको फॉलो तो कर लिया है, उनकी वास्तुकार जैसी मतलब वास्तुशैली वैसी ही बना दी है, नगर नियोजन वैसा ही कर दिया, लेकिन ये विकसित कितने हैं ये देखने वाली बात है, इस पर अभी भी शंका प्रकट की जा रही है। अब आपसे एक प्रश्न बच्चों, मैंने शुरू में लेखक का नाम बताया था, लेखक का नाम कितने बच्चे जानते हैं देखना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइए। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, मतलब एक पढ़ी लिखी साक्षर लोग रहते थे, साक्षर माने पढ़े लिखे लोग रहते थे, वो एक साक्षर सभ्यता थी और सुसंस्कृत समाज यानी अच्छे संस्कारों से भरी हुई थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका रही होगी, मतलब नगर नियोजन इतना अच्छा, वास्तुकार इतने अच्छे थे, वास्तुकला इतनी अच्छी थी, तो उनमें कितना योगदान दिया होगा, किस में योगदान, साक्षर सभ्यता को बनाने में और सुसंस्कृत समाज की स्थापना करने में, इसमें नगर नियोजन और वास्तुकला का योगदान कितना होगा, ऐसा लेखक प्रश्न पूछता है, क्या मतलब इसका भी एक योगदान रहा होगा क्या, ऐसा वो लेखक के मन में आता है। देखिए, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, उच्च वर्ग यानी जहां पर बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग रहते होंगे या यूं कह लो कि अमीर लोग रहते होंगे, उनके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है, सिंधु मतलब सिंधु नदी, पूर्व की एक बस्ती में दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए आप पीर
पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं वो चारों तरफ ही आपको नजर आएंगे। वो ये बात कर रहा है लेखक बौद्ध स्तूप के पास ही कहीं जाकर, वो पश्चिम की तरफ अगर जाता है तो वहां पर उसको पश्चिम से दक्षिण की ओर अगर घूमते हैं, पूर्व से दक्षिण की ओर अगर नजर दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आएंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, जमघट मतलब समूह है, वह कामगारों की बस्ती है। कामगारों का मतलब काम करने वाले लोगों की, जहां पर मजदूर वगैरह या हाथ का काम करने वाले लोग रहते होंगे। कहा जा सकता है इतर वर्ग की, इतर वर्ग मतलब निम्न वर्ग की या दूसरा कोई वर्ग। तो एक अनुमान लगाता है लेखक, या लेखक सोचता है कि संपन्न समाज में वर्ग भी होते होंगे, यानी उस समय क्या वर्ग भी यानी कैटेगरी भी बनी होंगी कि ये उच्च वर्ग है या नीचा वर्ग है या ये छोटी जाति है या बड़ी जाति, इस तरह के अनुमान लगाता है। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? निम्न यानी बिल्कुल छोटा, छोटे वर्ग नहीं थे? क्योंकि घर जो मिले हैं वो ज़्यादातर ऐसे मिले हैं जो शायद हाई क्लास फैमिली के होंगे या फिर मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, ऐसे घर तो मिले हैं। लेकिन ऐसे गरीब घर जैसे होते हैं वैसा कोई भी घर नहीं मिला है, या कोई झोपड़ी वगैरह इस तरह की चीजें नहीं मिली हैं। तो एक अनुमान क्या लगाया गया है, देखो लिखा हुआ है, कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे, इतनी मजबूती के साथ नहीं रहे होंगे उस समय के मकान, जो इतने सालों तक यानी 5000 साल तक भी वो टिक सकें, तो इतनी मजबूती के घर नहीं रहे होंगे। बस्तियां, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि 5000 साल तक टिक सकें, उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, उनकी जो बस्तियां रही होंगी वो थोड़ी दूरी पर बनी हुई होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के एक तिहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, और अब तो वह भी बंद हो गई है। मतलब शुरू से लेकर ये कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ खुदाई हुए, लगभग 100 साल। 1922 आपने देखा था, सन 1922 लिखा हुआ था जब रखालदास बनर्जी यहाँ पर आए थे, तो 1922 के आसपास जब ये खुदाई शुरू हुई थी तो आज लगभग 100 साल हो गए हैं। तो 100 साल पहले खुदाई शुरू हुई थी और वो भी एक तिहाई ही हो पाई है, 1/3 हिस्सा ही इसकी खुदाई हो पाई है। और बहुत सी चीजें ऐसे, अगर और खुदाई होती तो बहुत सी चीजें ऐसी भी मिलती जो अभी तक नहीं मिली हैं। तो हो सकता है कि वो इत्र वर्ग के जो घर थे रहे होंगे वो उस खुदाई में मिलते, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है, अब वो नहीं मिलेंगे। वो बंद क्यों हो गई है, मतलब वो खुदाई को क्यों रोक दिया गया, किसी कारणवश, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में ही लिखा हुआ है, डिटेल में उस वहां पर बात करेंगे। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे, दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, दाईं तरफ एक लंबी सी गली है, इसके आगे महाकुंड है। महाकुंड के बारे में मैं आप चित्र के माध्यम से भी समझा चुका हूं, और एक बार फिर देख लो, ये महाकुंड जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पता नहीं सायास है या संयोग, मतलब ये अचानक ही हुआ है या जानबूझकर किया गया है क्या, कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम, जो इसके पास गली है, इस कुंड के पास जो गली है उसका नाम देवमार्ग रखा गया है। देवमार्ग इंग्लिश में डिविनिटी स्ट्रीट कहते हैं, तो देवमार्ग का मतलब देवताओं का मार्ग, देवताओं का रास्ता है ये, तो ऐसा नाम रखा गया है। तो ये पता नहीं अचानक ही हुआ है या बाद में मतलब जानबूझकर रखा गया है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस कुंड में सामूहिक स्नान होता था, लोग इकट्ठे होकर समूह में स्नान करते थे, जैसे आजकल भी तीर्थ स्थानों में ऐसा होता है। कुंड करीब, अब कुंड के बारे में बता रखा है कि कुंड के बारे में क्या है, कि कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ठीक है, ये तो इसकी चौड़ाई और लंबाई हो गई, और गहराई 7 फुट है, इतना गहरा है कि 7 फुट तक। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, मतलब दक्षिण और उत्तर से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, साधुओं के कक्ष बने हुए यानी रूम्स, कमरे बने हुए हैं। उत्तर में दो पाथ मतलब होता है पंक्ति, लाइन। तो उत्तर में दो पंक्तियों में यानी लाइन में 8 स्नानगार हैं। इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता, मतलब कि आजकल देखने को मिलता है कि अगर आमने सामने बाथरूम्स हैं या स्नानगार हैं या फिर नहाने का कोई कक्ष बना हुआ है, तो ऐसे अगर आप दरवाजे देखोगे यानी मेन गेट्स देखोगे उन स्नानगार का, तो आपको एक दूसरे के सामने खुलते हुए नजर आएंगे, मतलब
एक गेट दूसरे स्नानगार के सामने के गेट के सामने ही खुलता है, तो ये थोड़ा अजीब सा होता है। जबकि यहां की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी गेट आमने सामने नहीं खुल रहा, ऑपोजिट साइड खुलता था। उसका एक रीजन ये है कि एक प्राइवेसी जैसी चीज भी होती है इंसान की, तो हालांकि वैसे तो गेट बंद करके ही रहते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिक्योरिटी टाइप कह सकते हो, सिक्योरिटी सी रखी हुई थी कि कोई भी स्नानगार का दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलेगा, तो ये एक अच्छी बात थी। चलिए आगे देखते हैं, सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है, यह भी एक उदाहरण है। अब आपसे एक प्रश्न, बोध स्तूप कितने साल पहले बना था? देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, कमेंट कीजिए। इस कुंड में खास बात, पक्की ईंटों का जमाव है, मतलब जिस महाकुंड की बात हो रही थी उसकी बात बारे में लिखा हुआ है कि पक्की ईंटों से बनी हुई है ये। कुंड का पानी रीस न सके, यानी बाहर न आ जाए, और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया था। इसके लिए कुंड के तल में यानी नीचे और दीवारों की ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक चूना और एक चिरोड़ी, ये दो चीजों का इस्तेमाल किया है, उसका गारा बनाया गया है। चिरोड़ी क्या होता है? चिरोड़ी एक तरह का चिपचिपा पदार्थ, पेड़ से निकलता है जो चिपचिपा पदार्थ, उसको चिरोड़ी कहते हैं। तो इस गारे का इस्तेमाल हुआ है, ये बड़ा पक्का होता है। पार्श्व की दीवारें, पार्श्व यानी पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, मतलब एक और दीवार की साथ खड़ी कर दी गई है। क्यों? बैकअप के लिए, कि अगर एक दीवार से पानी रिस जाए तो दूसरी दीवार उसके बैकअप के लिए तैयार रहे, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है, डामर लगाया गया है सफेद रंग का। और कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं भी है, कुंड में अगर पानी चाहिए तो साथ में ही एक कुआं भी बनाया गया है, दोहरे घेरे वाला, मतलब एक घेरा होता है ना, कोई भी अगर आप कुआं देखोगे तो उसमें एक घेरा होता है इस तरह से, ये गोल गोल होता है जिसका मुंह कह लो इसको कुएं का, लेकिन वो एक दूसरा घेरा भी था, उसमें दो घेरे थे इस तरह के, तो दो घेरों वाला के बारे में बात की गई है यहां पर। दोहरे घेरे वाला एक यह अकेला ही कुआं है जो मिला है, इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है, कि यह भी एक पवित्र कुआं माना जाता होगा यहां पर, इसीलिए कुएं से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां भी हैं, यानी अगर कुएं से पानी बाहर निकालना है तो उसके लिए नालियां भी बनी हुई हैं, यानी निकासी की पूरी बढ़िया तरीके से बंदोबस्त किया गया है। किसकी निकासी? पानी की निकासी। निकासी क्या होती है? निकलने का रास्ता। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई है। किसके बारे में बात हो रही है? नालियों के। नालियां भी पक्की ईंटों से बनी है जो और ईंटों से ढकी भी हुई है। कितनी अच्छी बात है कि उस समय भी स्वच्छता के प्रति और पानी की निकासी के प्रति कितने सजग थे लोग, कितने सचेत थे, कितने एक्टिव थे। आज की बात करें, आधुनिक काल की भी बात करें, तो आधुनिक काल में भी पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो ढकी हुई नहीं मिलेंगी, ज्यादातर आपको ऐसी ही खुली मिलेंगी। कहीं कहीं की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कई जगहों पर ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आगे देखिए, ये एक चित्र है जिसमें आप नालियां देख रहे हैं, एक जल निकासी का उन्नत प्रबंध किया गया है। इसमें पक्की और आकार में समरूप, पक्की भी है और आकार में समरूप भी है, समरूप मतलब एक ही रूप की, एक जैसी। धूसर ईंटें, धूसर मतलब धूल से सनी हुई या रेत से बनी हुई ईंटें, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है, विशेष पहचान है ये। ढकी हुई नालियां का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान है या इतिहासकार है वो जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता, मतलब पानी निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है इससे पहले के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, महाकुंड के बाद अब गढ़ की परिक्रमा कर रहे हैं वो। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है, कुंड का दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो एक विशाल कोठार मिलेगा। विशाल कोठार यानी कोठार मतलब गोदाम घर, एक बड़ा सा गोदाम घर है। ऐसा माना जाता है शायद कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहां जमा किया जाता था, कर मतलब टैक्स, कर के रूप में हासिल जो अनाज है वो शायद यहां पर ही जमा किया जाता होगा। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियां बनी हुई हैं, मतलब वो गोदाम घर ऐसा है जिसमें चौकियां बनी हुई हैं, यानी इस तरह की
चोरस टाइप में कुछ ऊंचाई की गई है, जैसा कि आपको आज आज की अनाज मंडियों में भी देखने को मिल जाएगा। अनाज मंडी में अगर जाओगे तो ऊंचा स्थान देखने को मिलेगा, वहां पर गेहूं रखी जाती है, अनाज रखा जाता है, ताकि कोई भी पानी या कोई भी अगर दिक्कत हो तो पानी जैसी समस्या अगर बरसात आ जाए तो वो गेहूं भीगे नहीं, यानी खराब ना हो, तो इसके लिए वो चौकियां बना दी जाती है। तो वैसा ही चौकियां मतलब ऊंचाई कर दी जाती है, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। देखो, इसके निर्माण रूप मतलब उस गोदाम घर का जो निर्माण रूप है उसमें खासकर चौकियां बनी हुई हैं, कुछ चौकियां बनी हुई हैं और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। कयास मतलब अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान लगाया गया है? ये जो ऊपर हमने पढ़ा था क्या कि कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहां जमा किया जाता था, ये वाला अनुमान लगाया गया है। किसको देखकर? चौकी और हवादारी को देखकर। यहां नौ नौ चौकियों की तीन कतारें हैं, तीन लाइनें बनी हुई हैं नौ नौ चौकियों की। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा, जिसके प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब आवागमन होता होगा वहां पर, गली उत्तर में गली है जहां पर बैलगाड़ी आया जाया करती होगी अनाज को उठाने, यानी लोड करने अनलोड करने इस तरह की, तो वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता होगा, तो ऐसा लिखा गया था। और इसके प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी सबूत भी मिले हैं। ठीक इसी प्रकार का कोठार यानी गोदाम घर हड़प्पा में भी पाया गया है, हड़प्पा में भी मिला है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं होता था, उन्नत खेती भी होती थी। यानी पहले तो लोग ये समझते थे कि यहाँ सिर्फ व्यापार किया जाता होगा, लेकिन जब अनाज के बारे में पता चला तो वो अनाज मिला भी है वहां पर, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो खेती के बारे में पता चल गया, तो अब पता चला कि यहाँ व्यापार ही नहीं होता था बल्कि उन्नत खेती भी होती थी, अच्छी खेती भी की जाती थी यहाँ पर। बरसों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन उपजाते नहीं थे बल्कि उसका आयात करते थे। आयात करने का मतलब इंपोर्ट करना, और निर्यात करने का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, तो इंपोर्ट करते थे। ऐसा माना जाता था कि जो भी अनाज था वो इंपोर्ट किया जाता था, ऐसा नहीं था। जबकि नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया। निर्मूल यानी बिना जड़ के, बिना कारण, बिना मतलब कोई सबूत ही नहीं है कोई आस कि उस टाइम व्यापार होता था, खेती भी होती थी, इसके सबूत तो हैं। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। मतलब अब तो कुछ विद्वान ऐसे भी मानने लगे हैं कि व्यापार तो फिर भी कम था यहां पर, लेकिन खेती बहुत ज्यादा होती थी, ऐसा भी माना गया, खेती और पशुपालक सभ्यता रही होगी। लोहा शुरू में नहीं था यहां पर पत्थर और तांबे की बहुतायात थी। पत्थर और तांबा यहां बहुत ज्यादा था, बहुतायात का मतलब अत्यधिक मात्रा में होना। पत्थर सिंध में ही था। तांबे की खाने राजस्थान में थी। इनके जो उपकरण थे इनके जो यानी इंस्ट्रूमेंट थे वो खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। जबकि मिस्र और सुमेर एक जगह का नाम है, इसमें चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक एक पत्थर होता है, आपने सुना होगा, चकमक और लकड़ी के उपकरण ही इस्तेमाल होते थे। एक इतिहासकार हैं, इतिहास को लिखने वाले नाम है इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, यानी रबी उगाई जाती थी यहाँ पर। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। ये तो खुदाई में भी मिले हैं ये सब चीजें। वह सभ्यता का तरयुग था। तरयुग मतलब बहुत कुछ था वहां पर, बहुत कुछ, हर चीज थी, एक तरह की हर चीज अवेलेबल थी, जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया, धीरे धीरे वो सूखता चला गया होगा, इसीलिए सभ्यता लुप्त हो गई। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी, ये तीनों चीजें भी होती होंगी, ऐसा मानना है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ ऐसी बोली नहीं जा रही, इनके सबूत मिले हैं। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज भी मिले हैं और उन्हें परखा गया है, ऐसे ही कुछ बात नहीं बोल दी गई। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है, मतलब कपास के बीज तो नहीं मिले जिससे पता चले यहां पर कपास भी होती थी, लेकिन सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा यानी कॉटन क्लॉथ। तो वो कॉटन क्लॉथ बनता किससे है, यानी सूती कपड़ा बनता किससे है, सूत से, यानी कि कपास से, ठीक है। तो
ये एक अनुमान है कि यहां पर कपास की खेती भी होती होगी। ये दुनिया के सूत के सबसे दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है, मतलब जो कपड़े मिले हैं, दो सबसे पुराने जो कपड़े मिले हैं उनमें से एक ये वाला कपड़ा था जो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और जो दूसरी की बात हो रही है वो दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला है, जगह का नाम मोहनजोदड़ो में। सूत की कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई भी होती थी, यानी रंग रोगन भी होता था इसमें। रंगाई का एक छोटा कारखाना, एक छोटा सा कारखाना मिला है वो खुदाई में, वो भी किसको? माधव स्वरूप वत्स को मिला है। माधव स्वरूप एक पर्सन का नाम है। छाल्टी जिसे लिनन भी कहते हैं और ऊन कहते हैं, यहां सुमेर से आयात होते थे, यानी ऊन को सुमेर से लाया जाता था, आयात किया जाता था, और शायद सूत उनको निर्यात होता हो। किनको? सुमेर को शायद सूत भेजा जाता हो, जैसा कि बाद में सिंध से ही मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ है। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों पर, शिलालेख मतलब एक पत्थरों में मोहनजोदड़ो के लिए मेहलुआ शब्द संभावित प्रयोग मिलता है। मेहलुआ शब्द के बारे में बहुत बार लिखा गया है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, एक बहुत सी लंबी इमारत है, इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, बीचों बीच ही एक खुला बड़ा दालान, दालान माने बरामदा, एक बरामदा भी है, तीन तरफ बरामदे हैं इसके यहाँ। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे, आप भी देखते होंगे स्कूलों में भी आपके बरामदे होंगे, उसके साथ कमरे होते हैं, तो ऐसे ही यहां पर भी इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी, ज्ञानशालाएं बिल्कुल पास पास होती थी, सटी हुई मतलब मिली हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्ट माना जाता है। कॉलेज ऑफ प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब पुजारी या पुजारी नहीं तो पूजा करने का जो काम होता है वो प्रिस्ट कहते हैं, प्रेयर कह सकते हो उसको, तो कॉलेज ऑफ प्रिस्ट माना गया है, यानी एक तरह का स्कूल नहीं है वो एक तरह का कॉलेज है वो, यानी बड़े रूप में अगर दिखाना हो तो वो कॉलेज ऑफ प्रिस्ट कहा गया है उसके लिए, ठीक है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, भग्न इमारत यानी टूटी हुई इमारत, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल कमरा है वहां पर जिसमें लगभग 20 खंभे हैं। कोई छोटा रूम तो नहीं होगा, एक रूम अगर 20 मतलब एक हॉल में 20 खंभे हो तो वो छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा होगा। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, यानी यहां पर क्या होता होगा वो एक अनुमान लगाया गया है कि यहां राज्य सचिवालय या फिर सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, यानी कोई लोग आते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे कि कुछ राज्य सचिवालय से रिलेटेड शायद, या कोई सभा भवन करके, या फिर सामुदायिक केंद्र, यानी कोई केंद्र बनाकर कोई समुदाय में बात करनी हो तो यहाँ की जाती होगी, शायद ऐसा अनुमान लगाया गया। गढ़ की चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े, गढ़ की चार दीवारी को छोड़कर हम अब बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हुई है, गढ़ के मुकाबले में छोटे टीलों पर है, यानी वहां तो बड़े बड़े टीले थे, यहाँ छोटे टीले बनाए गए हैं, टीलों पर टीले हर जगह हैं लगभग, इसीलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है, नीचा नगर कहा गया है टीलों को देखकर। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, मतलब खुदाई जैसे जैसे करती गए तो टीलों का आकार भी और छोटा कर दिया गया, क्योंकि खुदाई हुई तो टीलों को नुकसान तो हुआ ही है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं, इतने मतलब इतनी खुदाई कर दी गई कि टीलों को जमीन से ही मिला दिया गया है। ये कुदरती हो गया, या यूं कह लो कि अपने आप जानबूझ के तो नहीं किया होगा, लेकिन अपने आप हो गया ये। और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर ही बाहर निकल आए हों। अब ये लाइन समझने के लिए आपको एक चित्र देखना पड़ेगा जो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस चित्र में देखिए कि देखो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये कुआं नहीं है, हालांकि ये कुआं है। अब ये कुआं लग तो नहीं रहा आपको, लेकिन आपको समझाता हूं कि जमीन से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे जमीन तो नीचे है और ये कुआं जैसे पूरी मीनार का रूप लिए हुए है, इमारत का रूप लिए हुए है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये तो आसपास जमीन टूट गई, कुआं वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। तो पहले जमीन यहां हुआ करती थी, यहां पर जहां पर मैं निशान कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, पहले जमीन यहां हुआ करती थी और कुआं बिल्कुल ऊपर मतलब पास में ही था जमीन के, लेकिन अब यह स्थिति है कि यहां आसपास जितनी भी जमीन थी, मिट्टी थी, रेत थी, वो सब खत्म हो गई है धीरे धीरे और जमीन नीचे तक चली गई है और कुएं की जो शक्ल है वो एज इट इज रही। तो ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के ऊपर कुआं आ गया हो, ऐसा लगता है।
ऐसा ही कुछ इस लाइन में लिखा हुआ था, देखिए। और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर ही निकल आए हों, ऐसा लग रहा था, जैसा चित्र में भी आपने देखा। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है, पूर्व दिशा में एक बस्ती बनी हुई है जो रईसों की बस्ती, रईसों मतलब अमीर लोगों की बस्ती, वहां अमीर लोग रहते थे। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। पूर्व की जो बस्तियां हैं वो गरीबों की बस्तियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो अमीर लोग रहते थे, बड़े बड़े घर थे उनके, आलीशान महल जैसे बने हुए थे, वो अब सब खंडर हो चुके हैं। तो खंडर हो गए हैं, इसी वजह से वो अब गरीबों की बस्तियां ही मानी जाती है, वो कोई अमीर लोग नहीं है अब वहां पर। वहां वैसे तो कौन रह रहा है, लेकिन अब उनके जो घर है वो गरीबों जैसे हो गए हैं। मोहनजोदड़ो उसका उलट था, इसका उलट था, मतलब गरीबों से उलट था, यानी जो गरीबों की बस्तियां बताई गई हैं इससे उलट था मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के टाइम पर इसका उलट यानी विपरीत था। क्या से कि अब तो खंडर हो चुके हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के टाइम पर वहां बहुत बड़े बड़े अमीर के घर बने हुए थे। तो मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थी, और तो और ज्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्व का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। मतलब अब वहां के जो क्षेत्र हैं, वहां जैसे हम आप लोगों के शहरों में भी मोहल्लों के नाम होते हैं, ये मोहल्ले का नाम ये है, सेक्टर का नाम ये है, सेक्टर का नंबर दे देते हैं, ठीक ऐसे ही मोहनजोदड़ो में भी तो ऐसे ही रहा होगा। अब उस टाइम का तो पता नहीं है कि क्या नाम रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पर उनको नाम देने थे तो किस तरह से दिए गए, जिसने जैसे जैसे खुदाई करवाई, जिस पुरातत्ववेत्ता ने वहां पर खुदाई करवाना शुरू किया, तो उसी क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम उसी के नाम पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीके हल्का जो है वो दीक्षित काशीनाथ की खुदाई के नाम से दे रखा है। दीक्षित काशीनाथ खुदाई, दीक्षित का डी लिया गया है और काशीनाथ का के लिया गया है, तो उसका नाम रख दिया डीके हल्का। डीके हल्का मतलब क्षेत्र, डीके क्षेत्र है ये, क्योंकि उन्होंने खुदाई करवाई थी। उनके नाम पर यहां दो हल्के हैं, दो क्षेत्र हैं, ठीक है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है, डीके क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है वहां का इलाका। शहर की मुख्य सड़क यानी फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, जो मुख्य सड़क है वो यहीं पर है, और ये बहुत लंबी सड़क है, मानो ऐसा लगता है जैसे कभी पूरे शहर को नापती हो, पूरे शहर में यही सड़क जाती हो, ऐसा लग रहा था। अब यह आधा मील ही बची हुई है, जो पहले बहुत लंबी चौड़ी रही होगी, अब ये सिर्फ आधा मील ही बची हुई है, बाकी सब टूट फूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है, 33 फुट बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब एक तरह से बहुत खुली सड़क थी। मोहनजोदड़ो से तीन तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, तीन तरह के वाहन हुआ करते थे वहां पर, और इनमें जो सबसे, तीन तरह में सबसे जो चौड़ी बैलगाड़ी ही रही होगी, सबसे चौड़ाई में बैलगाड़ी ही रही होगी। और इस सड़क पर जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर 33 फुट चौड़ी है, इस सड़क पर दो बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी, इतनी चौड़ी ये सड़क थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी बाजार की तरफ ये सड़क जा रही है। महाकुंड के पास एक कुआं था जो बाकी कुओं से थोड़ा अलग था, उसकी एक खास बात थी। इस प्रश्न का उत्तर देखते कौन देता है कि वो खास बात क्या थी, वही बच्चे उत्तर दे पाएंगे जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, इस सड़क की दोनों ओर घर हैं जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, 33 फुट चौड़ी सड़क है, और जो घर हैं उसकी भी एक खास बात है, देखिए। लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, अक्सर आपने देखा होगा मेन सड़क जो होती है उसके उनके आसपास जो घर होते हैं उनके मेन गेट, घरों के मेन गेट मुख्य सड़क की ओर ही खुलते हैं। ऐसा आपका खुद का भी मकान शायद ऐसा हो, या आपने देखा हो तो बताइएगा जरूर। तो इस तरह के सड़क जरूर, इस तरह के घर जरूर होते हैं, लेकिन वहां के घर ऐसी स्थिति में नहीं थे, उनके एक भी घर ऐसा नहीं था जो मुख्य सड़क की ओर खुलता हो। ये खास बात है, ये अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें, अब आप देखो आज के जितने भी घर हैं वो मेन सड़क पर खुलते हैं, और जो मेन सड़क के ओर होते हैं, तो उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन, उस जो वायु प्रदूषण होता है वो भी, न जाने कितना प्रदूषण हमारे घरों के भीतर आ जाता है, किसकी वजह से, मेन सड़क की तरफ घर होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आज के जमाने की बात देखा जाए तो, लेकिन उस समय के लोग भी कितने समझदार थे, उनका एक भी घर बाहर की तरफ यानी मेन सड़क की तरफ नहीं खुलता था, उनकी सड़क तो पीठ थी उनकी, उनके घरों की।
अगर आपको घर में एंटर होना है तो आप पहले गली में एंटर होंगे, सड़क से गली में जाएंगे और गली से घूमकर सेक्टर में जाएंगे और सेक्टर से घूमकर फिर आप उस घर में एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे। अब देखो, यानी कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता, उसके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में भी ठीक यही शैली, बिल्कुल ऐसे ही घर, ऐसे ही यही तरीका, यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने भी इस्तेमाल की थी। कार्बुजिए एक आर्किटेक्ट, उन्होंने भी, नगर नियोजन करने वाले हैं वो कार्बुजिए, तो उन्होंने भी ये शैली इस्तेमाल की थी चंडीगढ़ में। ठीक है, वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही स्थिति क्रिएट की थी, ऐसे ही घर बनाए थे। यहाँ एक लाइन कटी हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और इस एक लाइन में यही लिखा हुआ है कि पहले आप सेक्टर में जाएंगे, फिर गली में जाएंगे और फिर घर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कुछ हिस्सा तो आया हुआ है, देखो, फिर घर की गली में और फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली, मतलब अगर कार्बुजिए ने यह शैली, यह तरीका बनाया चंडीगढ़ में, तो क्या ये मोहनजोदड़ो से प्रभावित होकर ऐसा किया? ऐसा एक प्रश्न पूछ रहा है लेखक, तो पता हो शायद ऐसा ही किया हो। कहते हैं कविता में से ही कविता निकल जाती है, मतलब कविता, एक कविता है, उसी कविता से एक थॉट ले लिया और दूसरी कविता की निर्माण कर दिया, रचना कर दी, ऐसा हो जाता है बहुत बार। और यहां तक कि कलाओं की तरह ही वास्तुकला में भी, मतलब आगे ये लिखा हुआ है, क्या इसी तरह से भी कला भी ऐसे ही सफर करती है, जैसे कविता से कविता बन गई, तो ठीक ऐसे ही मोहनजोदड़ो में जो नगर नियोजन की कला इस्तेमाल की गई थी, एक आर्ट यूज की गई थी, आर्ट कैसी, जो घर मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल रहे, तो ये जो कला है, ये जो दिमाग है, वो क्या एक कला दूसरी कला से ही बनती है क्या? क्या कार्बुजिए ने भी यहीं से ही सीख ली थी क्या? ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, यही लिखा हुआ है। देखो, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी, मतलब कला की तरह, जैसे कला, जैसे कविता में एक कला है, उस तरह से वास्तुकला भी शायद ऐसे ही सफर करती हो। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। ढकी हुई जो नालियां हैं वो मुख्य सड़क के दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। मतलब ऐसे एक भी जगह नहीं है जहां पर नाली, खासतौर पर मुख्य सड़क की ओर जो नालियां बनी हुई हैं मुख्य सड़क पर, वो ढकी हुई मिलेंगी आपको, ऐसी एक भी जगह नहीं मिलेगी जहां ढकी हुई ना हो। बस्ती के भीतर भी इसका यही रूप है, यहां तक कि बस्तियों के अंदर भी नालियों का यही रूप है, यानी ढकी हुई नालियां ही मिलेंगी। हर घर में एक स्नान घर है, घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती हैं, मतलब वो जो नालियां हैं वो एक शिवर में जा, शिवर समझते होगे ना, तो उसमें चली जाती हैं, एक तरह की होदी में चली जाती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली भी हैं, कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति होगी आप देखने को मिलेगा कि नालियां खुली हुई हैं, वहां वो ढकी हुई नहीं है, लेकिन ज्यादातर बंद ही मिलेंगी आपको। स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत थे वहां के लोग, वहां के वासी कितना सचेत थे, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों का, बाशिंदे क्या होते हैं, वहां के रहने वाले, वासी रहने वाले, मोहनजोदड़ो के जो रहने वाले थे, उनके सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। सरोकार मतलब रुचि, स्वास्थ्य के प्रति कितनी रुचि दिखाते थे, कितना सचेत थे, ये एक बेहतर उदाहरण है नालियों वाला। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, बस्ती के भीतर छोटी छोटी सड़कें भी हैं और उनसे छोटी गलियां भी हैं। वहां पर छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। जो छोटी जो सड़कें हैं वो 9 से 12 फुट तक की हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ही ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध, मतलब जो और ज्यादा आकर्षित करने वाली ऐसी चीज भी है जो दिखाती है कि वहां के लोग कितने अपने स्वास्थ्य के प्रति, जल के प्रति, अपने जीवन के प्रति कितना सचेत थे। और उनमें एक है कुओं का प्रबंध, कुओं का प्रबंध भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था वहां। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए, ऐसा नहीं है कि कच्ची ईंटों का निर्माण हुआ हो, पकी हुई ईंटों से निर्माण हुआ है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है, पहली ऐसी संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची, शायद उससे पहले ये स्थिति ना नहीं थी। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे, 700 के करीब, अकेले मोहनजोदड़ो में ही 700 के करीब कुएं होना छोटी बात नहीं है। पानी का इतने अच्छी तरीके से बंदोबस्त किया हुआ था वहां के लोगों ने। तो लेखक एक प्रश्न पूछता है कि वहां पर इतनी सारी पानी से रिलेटेड चीजें
इतनी अच्छी तरह से बंदोबस्त करना, उनमें पानी निकासी भी है, पानी का निकासी करना, तो ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से बंदोबस्त की गई थी, तो क्या हम उसे जल संस्कृति कह सकते हैं? ऐसा एक लेखक प्रश्न पूछता है अगले पैराग्राफ में, अगली दो लाइनों में, कि जल संस्कृति ही है एक तरह से वो, कि वहां पर नदियां हैं, कुएं का प्रबंध है, पानी निकासी की व्यवस्था है और स्नानागार है, इस तरह की कई चीजें हैं, वो जल संस्कृति ही कहेंगे इसको हम, ऐसा लेखक कहता है। देखो प्रश्न पूछता है, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, ये सारी चीजें पानी से संबंधित हैं, जल से संबंधित हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? एक प्रश्न पूछते हुए लेखक एक्चुअल में ये बता ही रहा है कि वो जल संस्कृति से कम नहीं था मोहनजोदड़ो। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो खंडर बने हुए हैं क्या उसके ऊपर भी मंजिल रही होगी? ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि कुछ जगहों पर मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, तो एक अनुमान लगाया गया कि इस मोटी दीवार के ऊपर भी एक मंजिल रही होगी, एक और दीवार बनाई गई होगी ऊपर की मंजिल के लिए, यानी डबल स्टोरी के लिए। तो एक सिर्फ इस मोटी दीवार से ही नहीं, एक अनुमान और भी लगाया गया कि वहां पर कुछ छेद हैं, यानी एक ईंट का, जैसे आपके घर में कभी भी आपने देखा हो, आपके घर जब बनता है या किसी आस पड़ोस में जब घर बना होगा, तो वो एक ईंट निकाल देते हैं, जो मिस्त्री या मजदूर होते हैं वो एक ईंट निकाल देते हैं दीवारों में से, और उसमें वो छेद रह जाता है, हालांकि वो बाद में भर देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक ईंट निकाल दी जाती है। क्यों निकाल दी जाती है? वहां पर एक बड़ा सा बांस टिकाया जाता है और वहां पर एक जो फट्टी है उसको रख दिया जाता है, ताकि उस पर खड़े होकर अगली मंजिल, अगली दीवार और ऊपर की दीवार बनाई जा सके। तो उसको शहतीर कहते हैं, तो वहां पर भी शहतीरों के निशान मिले हैं, तो एक अनुमान लगाया गया कि यहां पर भी ऊपर की मंजिल रही होगी। और इस पैराग्राफ में ईटों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। देखो, बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का एक क्षेत्र है, डीकेजी। डीकेजी आपने पहले भी सुना कि डीके की फुल फॉर्म क्या है, दीक्षित काशीनाथ, जो यहां लिखा भी हुआ है, इसको जी दे दिया क्योंकि इस तरह के कई हल्के हैं तो जी लगा दिया है। तो इसके घरों की दीवारें ऊंची है और मोटी हैं, ऊंची भी है और मोटी भी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस घर, उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, शायद दूसरी मंजिल भी रही हो। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें हैं, 1:2, 2:4 के अनुपात की हैं, सभी भट्टी में पकी हुई हैं, ये रेशियो था बच्चों। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण हुआ है, मतलब हड़प्पा की अगर बात करें, वहां पर पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण है हड़प्पा में, लेकिन ये हड़प्पा से हटकर यानी पक्की ईंटों का ही जमाव मिलेगा आपको यहां पर मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है, मामूली यानी कहीं कहीं पर प्रयोग हुआ है, बहुत कम प्रयोग हुआ है पत्थर का। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती हैं, कहीं कहीं पर पत्थरों से ढकी हुई नालियां ही दिखाई दी हैं, अनगढ़ मतलब लगातार बहुत सारे पत्थरों से ढकी हुई नालियां ही जरूर दिखाई दी हैं, तो वो पत्थरों का यूज जरूर हुआ है, वरना तो ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना हुआ है, प्रवेश द्वार जरूर है सामने की दीवार पर, कोई खिड़की नहीं है, मतलब ऐसा पता नहीं क्यों है कि घरों में के अंदर प्रवेश द्वार तो है, यानी अंदर जाने का रास्ते के लिए तो जगह बनी हुई है, लेकिन कोई खिड़की नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? एक अनुमान ऐसा लगाया गया, खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, जो बड़े बड़े घर हैं और वहां पर आंगन बने हुए हैं, वहां पर एक अनुमान लगाया गया ये शायद यहां पर उद्यम होता हो। उद्यम का मतलब, उद्यम मतलब हाथ का काम, कारीगरी का काम, मजदूरी जिस तरह से, तो वहां ये होता हो शायद, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, उदाहरण के लिए लिख भी दिया है, कुम्हारी का काम होता हो या धातु कर्म का काम होता हो। हालांकि सभी घर खंडर हैं, खंडर हो चुके हैं, और दिखाई देने वाली चीजों में से हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, कोई पक्का किसी को हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन एक अनुमान जरूर है। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं, एक ही लाइन में बने हुए हैं, कतार मतलब लाइन। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन यानी ज्यादातर 30x30 फुट का होगा, कुछ इससे दुगने भी हैं और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली, यानी घरों का बनना,
घरों का नियोजन कि किस तरफ कमरे होने चाहिए, किचन, आंगन, ये कहां कहां होने चाहिए, ये सारी चीजें कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। कमोबेश का मतलब ज्यादातर लगभग लगभग एक जैसे घर बने हुए, उनकी वास्तुकला एक जैसी ही है, वास्तुशैली व्यवस्थित और नियोजित शहर में। शायद इसका भी कोई कायदा निवासियों पर लागू होता हो, मतलब उस टाइम कितना व्यवस्थित थे वो, कितना नियोजित थे वो शहर, तो कोई ना कोई शायद कानून या शायद कोई ना कोई नियम नगरवासियों पर जरूर लागू होता होगा। एक घर को मुखिया का घर भी कहा जाता है, वहां एक घर है जिसको मुखिया का घर भी कहा गया है। उसकी खास बात यह है कि उसमें दो आंगन हैं और करीब 20 कमरे हैं, इसीलिए उसे मुखिया का घर कहा गया है। डीके बी और सी हल्का आगे पूर्व दिशा में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ एक घर में मिली थी, याजक नरेश की एक मूर्ति मिली थी यहां पर, आप चित्र में देखिए, ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये याजक नरेश की मूर्ति है। ये मूर्ति उसी उन्हीं के आसपास ही, यानी जहां पर लेखक बता रहा है उसी के घर के आसपास ही मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। HR किस नाम से लिया गया है वो आगे लिखा हुआ है। सड़क उसे दो भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 और 25 में रखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी, यानी उसके बाद उन्होंने ही खुदाई करवाई थी, इसीलिए उन्होंने उनके नाम पर ही ये हल्का पड़ गया, यानी ये क्षेत्र पड़ गया HR। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं। कंकाल तो आप जानते हैं क्या होते हैं, हड्डियों का पंजर। तो कंकाल भी मिले हैं जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां भी बनती रही हैं कि भूत रहते होंगे या फलाना, इस तरह की कई कहानियां भी बनती रही हैं। बाद में प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। ये क्या है, ये भी एक मूर्ति है जिसे प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प कहते हैं। नर्तकी क्या होता है, नाचने की मुद्रा में खड़ी हुई एक लड़की, उसको नर्तकी कहा है। नर्तकी यानी नाचने वाली, तो नाचने वाली की एक मूर्ति मिली है, मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाई रहा हूं। तो इस चित्र के माध्यम से देखिए कि ये मूर्ति है जो बहुत खास मानी गई है, हालांकि ये अब म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विलर ने कहा था, क्या कहा था, कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, मतलब उसके मुकाबले कोई और खास मूर्ति शायद ही रही होगी इस मूर्ति के अलावा। अब यह मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। राष्ट्रीय संग्रहालय में, दिल्ली में अगर आपका जाने का मौका मिले तो राष्ट्रीय संग्रहालय में आपको यह मूर्ति देखने को मिल जाएगी। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। उपासना केंद्र, यहां पर शायद उपासना की जाती होगी। उसमें इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अब ध्वस्त हो चुकी है या टूट फूट चुकी है, सीढ़ियां नहीं है वहां पर अब, लेकिन सीढ़ियों के निशान है और कुछ दो चार सीढ़ियां हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ही नहीं है, कुछ सीढ़ियां भी हैं, तो ऊपर की तरफ वो मंजिल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम में गड़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। VS की फुल फॉर्म है, वी तो लिया गया वत्स से और एस लिया गया स्वरूप से, तो इस नाम से ही पड़ा है। और अभी मैंने डीके हल्का के बारे में भी बात की, तो डीके की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आप बताइए, एक बार ध्यान से सुन रहे थे तो। यहां वह रंगरेज का खाना भी लोग चाव से देखते हैं, रंगरेज का कारखाना भी है वहां पर, वो बड़े चाव से देखा जाता है, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे ईंटों में जब बर्तन रखते हैं हम, कोई भी कढ़ाई रख दी, मान लो अगर किसी पत्थर के ऊपर हम कढ़ाई रख देते हैं तो एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल, 3 साल अगर आप रख दोगे तो आप देखोगे कि पत्थर पर निशान पड़ जाएगा उस कढ़ाई का, यानी एक गोल गड्ढा हो जाएगा, उभर कर आ जाएगा। तो ऐसे ही वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। शायद अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे, यही लिखा हुआ था। देखो, दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान भी हैं। दो कतार, कतार मतलब क्या होता है, लाइन, दो पंक्ति, दो पंक्तियों में 16 छोटे एक मंजिला मकान भी हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, एक कतार एक लाइन मुख्य सड़क पर भी है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ भी है। सब में दो दो कमरे हैं, सब घरों में दो दो कमरे बने हुए हैं।
स्नानघर, स्नानघर यहां भी सब घरों में है, सब घरों में देखने को मिल जाएगा। बाहर बस्तियों में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं, सामूहिक प्रयोग के लिए कुएं भी बने हुए हैं जो सबके काम आते थे। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, यानी रेक्टेंगल हो, ऐसा लगता है। मतलब कुआं ही ऐसा है जो सर्कल में है, गोल है, बाकी तो सब चौकोर या आयताकार ही देखने को मिलेगा। जैसे नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, टप्पेदार मोहरें, चौपड़ के खेल, गोटियां, तोलने के बाट, ये सब चीज, ये सारी चीज ऐसी हैं जो रेक्टेंगल शेप में हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं कि छोटे घर हैं इसीलिए छोटे छोटे कमरे बना दिए, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन बड़े घरों में, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है, हैरानी होती है कि बड़े घरों में छोटे कमरे क्यों हैं। इसका एक अनुमान लगाया गया कि उस समय आबादी शायद बहुत ज्यादा थी। एक अनुमान तो ये लगाया गया कि आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर कमरे छोटे बनाए गए, और दूसरा अनुमान ये लगाया गया कि कमरे यहां नीचे की मंजिल में छोटे छोटे कमरे रखे गए होंगे क्योंकि यहां पर नौकर चाकर रहते होंगे नीचे की मंजिल में, और ऊपर की मंजिल में बड़े बड़े कमरे रहे होंगे और वहां पर साज सज्जा और बहुत ही लग्जरी टाइप का कमरे रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि वहां पर लोग रहते होंगे जिनके वो घर हैं, और नीचे के कमरे में नौकर चाकर के लिए कमरे बनवाए गए होंगे, ऐसा एक अनुमान। ये दो अनुमान लगाए गए हैं वो जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज यानी हैरानी होती है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी, दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में यानी निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी, ऐसा किसने बताया, ऐसा अमेरिकी नृत्यत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, बड़े घर में जो आंगन है वो चौड़ी सीढ़ियों में बने हुए हैं, और कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं है। मतलब ऊपर की मंजिल तो बनी हुई थी लेकिन सीढ़ियों के निशान नहीं दिखे, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। शायद वो वहां पर लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल होता हो और समय बीतने पर वो लकड़ी नष्ट हो गई हो, तो ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। देखो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, शायद यहां लकड़ी की सीढ़ियां रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई हो, कालांतर यानी समय बीतने पर, और संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोके और साज सज्जा रही हो। मतलब ऊपर की मंजिल में बहुत अच्छी अच्छी साजो सामान रखे गए होंगे, लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो, लकड़ी के इस्तेमाल, लकड़ी की बनी हुई काफी चीजें यहां मिलती होंगी। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है, बाहर की तरफ। आप देखोगे आज के समय में भी फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट में आपको बाहर की तरफ सीढ़ियां देखने को मिल जाएंगी। आपको ऊपर जाना है, अपने कमरे में जाना है, तो आप किसी के घर में एंटर होकर सीढ़ियों पर से चढ़कर अपने कमरे में नहीं जाओगे, आपको बाहर ही सीढ़ियां देखने को मिल जाएंगी और वहीं से ही चढ़कर आप अपने ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हो। आपने देखे होंगे ये फ्लैट सिस्टम, तो ऐसा ही कुछ वहां पर भी बना हुआ था कि फ्लैट सिस्टम था या नहीं पता नहीं, लेकिन बाहर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं घर के बाहर, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। देखिए, कुछ घरों के बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं, यहां शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, अलग अलग परिवार रहते होंगे इस वजह से ऐसा किया हो, जैसे फ्लैट सिस्टम में। छोटे घरों की बस्तियों में छोटी संकरियां सीढ़ियां हैं और उनके पायदान भी ऊंचे हैं, होता है ना कई बार जगह की कमी हो तो सीढ़ियां कुछ इस तरह से बना दी जाती हैं, थोड़ी ऊंचाई ऊंचाई पर बना दी जाती है। मतलब बहुत थोड़ा जोर लगता है सीढ़ियों को चढ़ने में क्योंकि कम जगह पर ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे पायदान बना दिए जाते हैं जानबूझकर, क्योंकि जगह कम होती है। तो छोटे घरों की बस्तियों में छोटी हो गया ये, तो उनके पायदान भी ऊंचे हैं जैसा मैं पढ़ चुका हूं, ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा, ऐसा होता होगा क्योंकि जगह की तंगी है। गौर किया जाता है कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के निशान या चिन्ह नहीं है। मतलब आप देखते होंगे कि कोई भी दरवाजा होता है तो हम ऊपर एक पत्थर लगा देते हैं, हालांकि आजकल के मकान दूसरे टाइप के आ रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि जहां दरवाजा होता है उसके ऊपर एक छज्जा सा लगा दिया जाता है ताकि बारिश या धूप का असर ना आए अंदर की तरफ, नहीं तो अगर वो छज्जा ना हो तो वो धूप या बारिश सीधी अंदर तक जाएगी, अगर छज्जे के होने की वजह से वो धूप या बारिश से बचाव हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान है, यानी आम देखा गया है, जो छज्जे मिलते हैं ये तो आम होते हैं। क्या उस वक्त यहां इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए,
मतलब वो पशु याद आ गए उसे कि मोहरों पर पशु लगे हुए थे, पशु के चित्र थे उसमें लगे हुए थे, मतलब पशुओं के चित्र लगे हुए थे। जैसा आपने देखे होंगे, देखा होगा मोहरें और ऐसी भी होती हैं जिन पर कुछ कारीगरी यानी आर्ट होती है, उस मोहरों को लगाओ तो सामने छप जाता है वही चित्र, जैसे शेर हाथी या इस तरह की। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ था, शेर हाथी या गेंडा इस मरुभूमि में नहीं हो सकते, मतलब इस ये मरुभूमि में नहीं हो सकते, इसीलिए क्या उस वक्त वहां यहां जंगल भी थे, मतलब ये शेर हाथी या गेंडा ये चीजें तो जंगल में रहती हैं, तो क्या उस समय जंगल भी रहे होंगे यहां पर। यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहां अच्छी खेती होती थी, ये तो सच, ये तो साबित हो चुका है। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, मतलब यहां के लोग, हालांकि आजकल की तकनीक ऐसी नहीं है कि कुओं से सिंचाई हो सके, क्योंकि कुओं का पानी होता है खारा, तो शायद उस समय कुओं से सिंचाई बड़ी फिल्टर करके या उस समय का जो पानी था वो खारा ना होता हो, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि वो कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर कोई नहर थी जिससे उनकी सिंचाई होती हो, यानी बारिश भी उस साल उस समय का उस काल मतलब समय उस काल में काफी होती होगी, बारिश भी काफी होती होगी जिससे खेती में पानी की कमी ना नहीं पड़ती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल यानी जमीन का पानी जल भी पहुंच से दूर चला गया, मतलब क्या ऐसा हुआ होगा कि बारिश घट गई होगी और कुआं का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि वो पहुंच से दूर हो गया, क्या ऐसा हुआ होगा? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी, क्या ये सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता है क्या पानी के अभाव में उजड़ी है? ऐसा एक अनुमान लगाया गया, कुछ बता नहीं रहा है लेखक कि ऐसा हुआ है, वो तो एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऐसा भी संभव हुआ हो सकता है। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी, किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी, मतलब आपने देखा होगा जब आप सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और तेज वाहन जाता है तो आपको हवा का एक धक्का सा लगता है और आवाज सी आती है, बहुत साए साए की हवा जब तेज चलती है तब भी ऐसा होता है, तो ऐसा ही कुछ उनको भी महसूस हो रहा था लेखक को। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं, ठीक ऐसे ही सुने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, सुने घर होते हैं ना तो हवा और ज्यादा गूंजती है वहां पर, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे, कोनों में जो अंधेरे होते हैं वो भी सुनाई देता हो, ऐसा लग रहा था। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर में वापस बाहर नहीं आना पड़ता, मतलब एक घर से दूसरे घर पर अगर आपको जाना है तो आप क्या करते हो, अपने घर के गेट से निकलते हो और दूसरे के घर के गेट से अंदर चले जाते हो, लेकिन यहां ऐसी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां तो सब खंडर है, आपको दीवार टूटी हुई मिलेंगी, तो एक दीवार को लांग कर आप दूसरे दीवार में यानी दूसरे के घर में आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि वहां कोई दीवार तो है नहीं, या है तो बहुत छोटी छोटी है या खंडर हो चुकी है, टूट चुकी है वो सब चीजें, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। देखिए, आखिर सब घर खंडर हैं, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है और दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बहुत बड़ा घर हो, पूरी बस्ती ही एक घर बन गई है, क्योंकि दीवारें तो हैं नहीं बीच में या बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, घर का सिर्फ एक नक्शा ही नहीं होता, आपको पता है ना मकान और घर में फर्क होता है, मकान कैसा होता है, मकान तो वो होता है जिसमें दीवारें खड़ी हुई हो, कमरे बने हुए हो, आंगन बना हो, ये सारी चीजें बनी हुई हो, वो मकान है, लेकिन कोई फैमिली आकर कोई परिवार आकर अगर उसमें रहने लग जाता है तो उस संस्कार भर देता है उस घर में, वो फैमिली वो परिवार का जो मकान होता है वो मकान नहीं रहता, फिर वो घर बन जाता है, तो ये मकान और घर में जो अंतर है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर भी, देखिए, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5,000 साल पुराना ही घर क्यों ना हो, हम में कमोबेश हर कोई, कमोबेश मतलब ज्यादातर हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। धीमी गति से क्यों दाखिल होता था, आराम से दाखिल क्यों होता था, क्योंकि उनको लगता था कहीं हम दूसरों के घर में ऐसी चोरी छिपे जा रहे हैं, हालांकि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन वहां के घरों
बनावट या उनकी जो खुदाई हुई है वो इस तरह के से बढ़िया तरीके से की गई है, ऐसा लगता है जैसे अभी भी वहां पर लोग रहते हों। तो मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो, किसी अजनबी के घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी के घर में हम अनाधिकार जा रहे हों, अनाधिकार यानी हमारा अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी हम उनके घरों में चहलकदमी करने जा रहे हों। ऐसा लगता था जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी छिपे घुस आए हों। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की यह खूबी ही थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर और गलियों और घरों को ढूंढा है और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल यहाँ कोई बसता था। यानी ये खुदाई करने वालों की ही खूबी है कि उन्होंने घरों को गलियों को इस तरीके से खोज कर निकाल दिया है कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई बसता भी था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मतलब ये आप ही की सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान का बड़ा मुझे याद आई, जब जब मैं मोहनजोदड़ो में घूम रहा था तो राजस्थान की बहुत याद आई मुझे, यानी बार बार वही राजस्थान से मिलता जुलता मुझे काफी चीजें लग रही थी यहाँ की। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, सिर्फ इतना ही बात नहीं थी, कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़ जाती हैं, कई और चीजें भी हैं। जैसे हजारों साल पहले हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, यहाँ हजारों साल पहले पुराने खेत थे, पुराने खेत देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे ही राजस्थान में भी देखने को मिल जाएंगे। बाजरे और ज्वार की खेती भी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा एक राजस्थान का एक ऐसा इलाका है जहाँ आप पढ़े होंगे वैसे कुलधरा के बारे में कि एक ऐसा गांव है जहाँ के निवासी रातों रात उस पूरे गांव को खाली करके चले गए, सामान वहीं छोड़ गए। किसी राजा के तकरार पर राजा ने या मुखिया ने कुछ उनको ऐसा कह दिया कि उनको चुभ गई बात, तो सारे गांववासी रातों रात अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए और पूरा गांव खाली हो गया, यहां तक कि वो सामान भी वहीं छोड़ गए। धीरे धीरे वो सामान भी चोरी हो गया और अब वहां पर आप जाओगे देखोगे तो वहां पर घर अभी भी मौजूद हैं, खंडर हो चुके हैं कुछ घर, तो कुछ साबुत भी मिल जाएंगे, वैसे ज्यादातर खंडर ही मिलेंगे। तो वो कुलधरा और मोहनजोदड़ो लगभग एक जैसी स्थिति है, बस ये फर्क है कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना है और कुलधरा की बात 100-150-200 साल पहले की है, बस इतना ही फर्क है, मतलब ये फर्क जरूर है। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। किसकी बात हो रही है? कुलधरा की बात हो रही है। उस वक्त उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है, एक गमी व्याप्त है यानी एक दुख व्याप्त है वहां पर। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं, गांव में घर तो हैं लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा के तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा यानी रहने वाला रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, दरवाजे और असबाब मतलब सामान पीछे लोग उठाकर ले गए। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं, घर खंडर तो हो गए लेकिन गिरे नहीं अभी भी। घरों की दीवारें प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। लोग निकल गए पर वक्त वहीं रह गया, वो वहीं रह गया, वहीं ठहर गया, खंडरों ने उसे थाम रखा है। ऐसा लगता है जैसे खंडरों ने उस वक्त को थाम लिया हो, मतलब वहां के लोग अपना घर तो छोड़ गए, 150 साल हो भी गए लेकिन वक्त वहीं पर छोड़ गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, यानी वक्त वहीं पर अभी भी रुका हुआ है, वहां से गया नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि 150 साल पहले की बात होगी, जैसे सुबह लोग ऐसा लगता है जैसे सुबह लोग घर से निकले हों, शायद शाम ढलते ही लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी, ये सब राज्यों में भी आपको कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। आप अगर इनमें से कहीं रहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको आपने देखा भी होगा कि हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले के घर आज भी बने हुए हैं और मजबूती से के साथ बने हुए हैं। अगर देखे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कहां के रहने वाले हैं आप? जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है। विशद प्रबंध यानी एक तरह की बुक है बहुत बड़ी, जिसको जो 3 हिस्सों की है, 3 खंडों की है, 3 खंड हैं यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह के। तो उनमें उन बुक्स में क्या है, उन बुक्स में मोहनजोदड़ो के बारे में ही लिखा हुआ है विस्तार से। उसमें खुदाई में मिली ठोस यानी उसमें किसमें बुक में खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र भी हैं। इसके साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है उस बुक में। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा, सतत यानी जो लगातार चली आ रही है, ऐसी परंपरा का इजहार भी किया है। हालांकि कमानी और आरे वाले पहिए, कमानी वाले और आरे वाले पहिए आपने देखे होंगे, चित्र में भी आप देख लीजिएगा। तो आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था। हमारे गांव में लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी, यानी दुल्हन बैलगाड़ी में ही ससुराल जाया करती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे, बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारे पहिए भी लगते हैं, जीप से जो मतलब बेकार हो चुके हैं, जीप से उतार लिए जाते हैं, अब वो लग जाते हैं वहां पर। अब एक खास बात हम आगे पढ़ेंगे, वो खास बात ये है कि अब ऊंट गाड़े का भी प्रयोग होने लगा है राजस्थान में। ऊंट गाड़े, ऊंट गाड़ा मतलब ऊंट, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ही ऊंट गाड़ी, वहां ऊंट चलाते हैं जिसे, तो उसमें जो पहिए लगते हैं वो कौन से पहिए लगते हैं? पहले लगते थे, आजकल ये स्थिति बदल गई है, पहले लगते थे हवाई जहाज के। पहले का मतलब बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर हवाई जहाज के जो उतारू पहिए होते हैं, यानी जो बेकार हो चुके होते हैं, ऐसे पहिए हवाई जहाज के, छोटे छोटे पहिए तो होते ही हवाई जहाज के, तो मतलब इतने छोटे भी नहीं होते, काफी बड़े होते हैं वैसे तो, लेकिन ऊंट गाड़े में लग जाते हैं वो प्रयोग होते हैं। तो एक लेखक ने एक बात कही है मजेदार, क्या कहा है कि हवा के जहाज के पहिए और दूसरी तरफ किसको लगाए गए, ऊंट को, यानी रेगिस्तान के जहाज को। हवा के जहाज के पहिए रेगिस्तान के जहाज के साथ जोड़ दिए गए हैं, ऐसा एक मतलब कॉम्बिनेशन बना है, देखिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद, जो कि उटगाड़ा, उटगाड़े में, उटगाड़ा मतलब जो गाड़ी नहीं है, उटगाड़ा है वो, का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है, मतलब एक ऐतिहासिक गठजोड़ यानी मिलन हुआ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंटगाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा, अब कभी इस्तेमाल होता होगा बैलगाड़ी या ऊंटगाड़े का कि दुल्हन ससुराल जा रही है, शायद ही ऐसा प्रयोग होता हो। हमारे मेजबान ने, अब ये मेजबान कौन है, जो वहां, जैसे लेखक वहां घूमने गया हुआ है, तो वहां पर जो उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, या क्या क्या चीजें कहां कहां बनी हुई है, ये सारी चीजें बताने वाले, उनको कहा है मेजबान। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलवाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है, अजायब घर भी देखना है, अजायब घर यानी म्यूजियम, जिसको इंग्लिश में म्यूजियम या संग्रहालय हिंदी में कहते हैं। खंडरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, साबुत इमारत कौन सी थी, वही अजायब घर की। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको, प्रदर्शित सामान कौन सा, जो वहां पर प्रदर्शित है अजायब घर में, म्यूजियम में, ऐसा ये सारा सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास नहीं होने देता, ऐसा लगता है जैसे हम खंडर में ही अभी भी हैं, क्योंकि वहां पर भी पुरानी पुरानी चीजें हैं। अजायब घर छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, जैसे कस्बे की स्कूल की इमारत रही हो। सामान भी ज्यादा नहीं है, सामान भी बहुत ज्यादा नहीं रख रखा, हालांकि मिली तो बहुत सारी चीजें हैं, 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई में, जितनी भी खुदाई हो पाई 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं, जो रिटर्न में है, रिटर्न में जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ अजायब घर की बात करें, मोहनजोदड़ो में जो अजायब घर है, म्यूजियम है, वहां पर कुछ चीजें ही रखी गई हैं, और जो बाकी की ज्यादा चीजें हैं वो कहाँ कहाँ है देखिए। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यो अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहां प्रदर्शित हैं वो पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने के लिए इतनी चीजें भी काफी हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या प्रदर्शित है वो लिखा हुआ है, काला पड़ गया गेहूं, गेहूं जो काला पड़ गया है क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं,
वो भी मिला है, तांबे और कांसे के बर्तन भी मिले हैं, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने, चाक के बारे में पहले भी बता चुका हूं, चाक पर बने विशाल भांड, मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल पत्थर और तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, और यहां तक कि दो पाटन वाली चक्की, दो पाटन वाली चक्की आपने देखी होगी जिसे आटा पीसा जाता था पहले, आपके घर में भी हो तो बताइएगा एक बार या देखा हो, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों के हार, मन का मतलब मोतियों, मोतियों के हार और पत्थर के औजार, ये सारी ना जाने चीजें, कितनी ऐसी चीजें हैं जो मिली हैं अजायब घर में तैनात, अजायब घर में की जो रखवाली करता है, जो देख रेख कर रहा है, उसमें एक तैनात है जिसका नाम है अली नवाज। अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहां हुआ करते थे जो चोरी हो गए, मतलब लोग चुरा कर ले गए। एक खास बात यहां कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है, मतलब इतनी खुदाई हो चुकी है लेकिन हथियार कोई नहीं मिला, औजार तो मिले लेकिन हथियार कोई नहीं मिला, तो एक अनुमान लगाया गया है कि क्या यहां पर कोई कानून वगैरह जो फॉलो होता था, यानी नियमों का फॉलो करते थे लोग। आपको याद दिलाता हूं नियम कैसे फॉलो करते थे, आपने देखे होंगे वो लाइन कि घर एक ही लाइन में बने हुए हैं, एक ही जैसे बने हुए हैं, सबके सब घरों की जो वास्तुकला है लगभग एक जैसी है, तो कोई तो नियम होगा ना। जैसे आप सेक्टर में देखते होंगे अभी आजकल के सेक्टर जो हैं उनमें आप देखते होंगे एक जैसे ही घर ही होते हैं लगभग, आगे की तरफ जगह छुटी हुई होती है जिसमें आप गमले या कुछ पौधे वगैरह देखते होंगे, तो ऐसी स्थिति कोई नियम लागू होता है सेक्टर में, ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से करते हैं सभी लोग, अपनी मर्जी से नहीं करते, ये नियम लागू होता है, कानून बना हुआ है, तो उस समय भी ये नियम या कानून थे जो दिखाई देते हैं कि हाँ यहाँ पर भी कोई कानून लागू होता तो है। तो हथियारों का न होने का एक अनुमान ये लगाया गया है कि उस समय के लोग समझ से अनुशासित थे, यानी उनको डांटना, डपटना, सजा देना की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे आपके स्कूल में भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपने आप ही अनुशासन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनुशासन फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, तो उनके लिए डंडा होता है, टीचर्स डंडे लगाते हैं और कोई पनिशमेंट दे देते हैं, हाथ ऊपर करवा देते हैं, इस तरह की कई बार पनिशमेंट दे दी जाती है ताकि डिसिप्लिन फॉलो होता रहे। तो उस समय भी डिसिप्लिन जो फॉलो होता था, अनुशासन था, तो वो हथियारों के बल पर नहीं होता था, वो समझ से अनुशासित थे वो लोग, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा अभी आगे, हम देखो, मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र में जिस तरह के हथियार होते हैं, भाला, तलवार या इस तरह की चीजें, ये चीजें नहीं मिली हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां अनुशासन कैसे फॉलो करता है किया जाता था। वहां अनुशासन जरूर था, अनुशासन तो था पर ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहां न रही हो, सैन्य सत्ता मतलब सेना नहीं रही होगी, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पा, पानी और साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। मतलब ये नियम तो फॉलो होते थे, कौन से नियम, नगर नियोजन, मोहरे ठप्पे, पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी करना, साफ सफाई रखना, ये सारे नियम फॉलो होते थे। तो फिर भी कोई तो कोई नियम रहा होगा, लेकिन अनुशासन तो था, ये तो दिखता ही है, लेकिन पर हथियार न होने का एक अनुमान ये लगाया कि वो वहां के लोग समझ से अनुशासित थे। और दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ी करती है, दूसरी सभ्यताओं से ये अलग है, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक मतलब अलग तो है, ये तो आपने काफी चीजें पढ़ ली है, लेकिन एक और चीज भी है जो अलग लाकर खड़ी कर देती है सिंधु घाटी सभ्यता को, वो क्या है, वह है प्रभुत्व। प्रभुत्व क्या होता है, प्रभुत्व यानी स्वामित्व, स्वामित्व यानी जो राजा महाराजा होते हैं कि मैं तो मेरा शासन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस तरह की चीजें नहीं रही होंगी वहां पर, और दिखावे के तेवर नहीं थे वहां पर, नदारद थे, नदारद माने गायब हो चुके थे, तो दिखावा बिल्कुल भी नहीं था वहां पर। ये सिर्फ कही गई बातें नहीं है, इसके कुछ सबूत भी मिले हैं वहां पर, कि इन बातों से एक अनुमान लगाया गया कि वहां पर दिखावे नहीं थे, दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, आडंबर नहीं था। वो उदाहरण क्या है वो आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा।
देखो दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल भी मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता से अलग बात करें तो दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल भी मिलते हैं। बड़े बड़े महल हैं, उपासना स्थल हैं, मूर्तियां मिलती हैं, पिरामिड मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन यहां पर ये सब चीजें नहीं है, तो इसका मतलब ये दिखावा नहीं करते थे। हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रसाद मिले हैं, भव्य यानी बड़े बड़े कोई राजप्रसाद मिले, प्रसाद मतलब महल, कोई राजमहल मिले हो, ना मंदिर मिले हैं, मतलब बड़े बड़ी चीजें ऐसी कुछ भी नहीं मिले, न राजाओं महंतों की समाधियां मिली हैं, मतलब कोई भी 1% भी दिखावा नहीं किया उन्होंने। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, मूर्तियां जो मिली हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसी नहीं बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी हो दिखावे के लिए। और औजार भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं, वो भी छोटे हैं। मोहनजोदड़ो कुछ भी कहो, मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, मतलब मैंने आपको एक चित्र दिखाया था जो एक याजक नरेश की मूर्ति मिली थी, उस नरेश के सिर पर जो मुकुट मिला है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब उस राजा के सिर पर जो मुकुट मिला था, मुकुट इतना छोटा था कि उससे छोटा सिर पर पहनने वाला कोई भी शायद चीज नहीं रही होगी। जबकि दूसरी जगहों पर आप देखोगे कि राजाओं के जो मुकुट हुआ करते हैं वो बड़े बड़े हुआ करते हैं, आलिशान हुआ करते हैं, बड़े मतलब बहुत कारीगरी होती है, लेकिन यहां पर कोई दिखावा नहीं था ऐसा, तो यही कुछ लिखा हुआ था। और तो और उन लोगों की नावें जो थी वो बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही हैं। मतलब मिस्र की नावें जैसी तो हैं लेकिन आकार में बहुत छोटी हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी भव्य चीजें नहीं है, कहने का मतलब दिखावा नहीं था वहां पर। आज के मुहावरे में कह सकते हैं, आज का अगर मुहावरा देखा जाए तो कह सकते हैं ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल क्या होता है? लो प्रोफाइल सभ्यता वो होती है जिसमें दिखावा नहीं होता, बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, नॉर्मल चीज होती है, लेकिन लो प्रोफाइल में भी वो समृद्ध थे, यानी हर चीज वहां पर मौजूद थी, यही लिखा हुआ है। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी, वो लघुता जरूर थी वहां पर, यानी छोटी चीजें जरूर थी लेकिन महत्ता थी उसमें, महत्व रखते थे वो चीजें, तो महत्ता अनुभव करवाने वाली वो संस्कृति थी वो उस समय। बच्चों राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? देखते कितने बच्चे अब तक याद रख पाए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है कि यहाँ पर सब चीज अवेलेबल थी। फिर भी इसकी संपन्नता की बात अगर कम हुई है तो शायद इसीलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, यानी दिखावा नहीं करते थे। अगर संपन्नता की बात अगर कम हो पाई है, इतनी बातचीत नहीं हो पाई इसके बारे में, तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो इसका कारण यही है कि उसमें भव्यता या आडंबर नहीं था। भव्यता आडंबर यानी दिखावा था ही नहीं, दिखावा होता तो शायद आपको लगता कि हाँ इसमें ये चीजें भी हैं, वहां वो ये चीजें भी हैं, लेकिन सब कुछ चीजें होते हुए भी अगर आपको थोड़ा कम लगा हो कि यहां पर संपन्नता कम थी, तो उसका एक रीजन है कि यहां पर भव्यता नहीं थी, दिखावा नहीं था। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं, पिछली सदी यानी पिछले 100 साल में ही तो उभर कर आए हैं, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में। उनकी अनुभुज लिपि भी मिली है, अनुभुज यानी जिसे समझ में नहीं पाए हैं लोग, मतलब एक ऐसी जैसे अभी ये लिखा हुआ है हिंदी विषय में, हिंदी लैंग्वेज में, ऐसे ही आपको किसी और लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वहां पर जो लिखा हुआ है, वो कोई समझ तो पाया नहीं है। तो ऐसे ही उनकी अनुभुज लिपि अभी भी सारे रहस्य को अपने में छिपाए हुए है, अगर वो पढ़ने को मिल जाए, वो समझने को मिल जाए, तो और भी ज्यादा पता चले कि वहां के लोग किस तरह से रहते, खाते पीते सोते थे, इस तरह की सारी चीजें, बहुत सी चीजें पता चल जाएं। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि यानी इंटरेस्ट का बहुत महत्व था, यानी ज्यादा महत्व देते थे उनको इन चीजों को, जैसे उदाहरण के लिए वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं था इसमें, सिर्फ इतना ही नहीं धातु और पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पर चित्रित मनुष्य वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां भी मिली हैं, और सुनिर्मित यानी बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई मोहरें मिली हैं, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां मिली हैं, मोहरों पर जो आकृतियां बनी हुई हैं, खिलौने मिले हैं, और तो और केश विन्यास है, केश विन्यास मतलब बालों का गुच्छा, आभूषण, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप
सुघड़ मतलब क्या होता है, सुघड़ रूप का मतलब, सुघड़ मतलब होता है परफेक्ट, यानी बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से। तो सुघड़ का मतलब अच्छे तरीके से, अक्षरों का लिपि रूप मिला है। यह सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है, कि वहां तकनीक सिद्ध थोड़े कम थे लोग, या कम थे, या यूं कह लो कि इतने ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनका। तकनीक लोग तो थे लेकिन कला सिद्ध ज्यादा थे, वो कला सिद्ध ज्यादा जाहिर करता है वहां के लोगों को। एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अब ये एक प्रश्न भी आएगा, इसको ध्यान से सुन लो, कि वहां जो सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी खूबी था ये सौंदर्य बोध, यानी सुंदरता दिखाती थी वो, सुंदरता, हर चीज सुंदर सुंदर दिखा रखी है, हर चीज इतनी सुंदर बना रखी है, जो राजपोषित नहीं थी, यानी राजा के पोषण के लिए नहीं थी, कि राजा ने ऐसा कुछ दिखावे के लिए किया हो, या धर्म पोषण के लिए हो, धर्म के लिए यानी पूजा पाठ के लिए दिखावा करने के लिए की गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो समाज पोषित थी, अपने समाज की पोषण करने के लिए थी वो सारी चीजें, सुंदर वस्तुएं। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। आकार की भव्यता नहीं थी वहां पर, यानी आकार में बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी वो, लेकिन कला में भव्यता जरूर थी, कला में वो बहुत बड़ी चीज थी वो। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं, मतलब अजायब घर क्या होता है, म्यूजियम संग्रहालय, उसमें कुछ सुइयां भी देखने को मिल जाएंगी आपको। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, 3 सुइयां थी जिसमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी का काम आती होगी। कशीदेकारी क्या होता है, जैसे कढ़ाई करते हैं ना कपड़े पर, कढ़ाई कर ली जाती है, उस तरह की कढ़ाई के लिए शायद यहां ये सुई काम आती होगी। याद करें, एक बार याद करो कि नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, यानी एक नरेश की मूर्ति मिली है, मैंने आपको दिखाया भी था, याजक नरेश की मूर्ति, दोबारा देख लीजिए इस चित्र में, कि याजक नरेश की इस मूर्ति पर आपने देखो इसने कुछ पहन रखा है, एक शॉल टाइप, एक वस्त्र कुछ है, इस पर कशीदेकारी की गई है, यानी कि कढ़ाई जैसी कुछ की गई है, तो शायद ये उसी से सुइयों से की गई है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। उसके बदन पर जो आकर्षक दुशाला, गुलकारी वाला दुशाला है, गुलकारी मतलब वही कशीदेकारी यानी कढ़ाई बुनाई वाला, दुशाला भी है, दुशाला मतलब जिसको मैं शॉल कह रहा हूं, तो वो दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा भी मिल जाता है आपको, अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, अजरक सिंध की खास पहचान बना है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है, मतलब पहले कपड़ों पर छपाई नहीं होती थी, पहले कपड़ों पर कशीदेकारी होती थी, यानी कढ़ाई बुनाई हुआ करती थी सुइयों से, लेकिन अब तो छपाई शुरू हो गई है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, तांबे के सुए, बड़े बड़े तांबे के सुए, ऐसा माना जाता है कि शायद इनसे दरियां बुनी जाती हों, जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, मतलब ऐसा माना गया है कि ये बड़े बड़े सुए हैं, शायद दरियां बुनी जाती हो, लेकिन दरी का कोई नमूना या कोई सबूत मिला नहीं है, वह शायद कभी हासिल ही ना हो। क्या, दरी का नमूना अब शायद मिले ही ना, क्यों ना मिले, क्योंकि खुदाई कर दी बंद। बंद क्यों कर दी, क्योंकि वहां पर जो खुदाई की जगह पर पानी निकल आया था, क्षार उत्पन्न हो गया था, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा नमकीन पानी होता है, नमक में निकलता है, तो वैसे ही वहां पर भी दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, नमक निकल आया था, तो वहां पर अगर और ज्यादा खुदाई करते तो और ज्यादा ये दलदल की समस्या बढ़ती, इसीलिए वहां खुदाई बंद कर दी गई। बंद इसीलिए कर दी गई क्योंकि जो चीजें बरामद हो चुकी हैं, जैसे खंडर या बहुत कुछ खुदाई में हम सहेज चुके हैं, मिल चुकी हैं, वो बचा कर रखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो एक सबूत है कि आज से 5000 साल पहले यहां पर जीवन हुआ करता था, तो वो बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए खुदाई को बंद कर दिया गया, अब और खुदाई नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, देखिए, वह शायद कभी हासिल ही ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है, सिंधु के पानी के रिसाव से, सिंधु का पानी का रिसाव हो गया है, जिससे क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है।
मौजूदा खंडरों को बचा कर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो खंडर बच गए हैं उनको बचा कर रखना ही बड़ी चुनौती है। अब आपसे एक आखिरी प्रश्न बच्चों, आपने ये पूरा वीडियो कितने हिस्सों में देखा है? एक हिस्से में, दो हिस्सों में, या चार हिस्सों में, या दस हिस्सों में? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को स्किप करके छोड़कर अभी मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो छोड़कर चले गए उसको नुकसान हो सकता है। पहली बात तो ये कि इस पाठ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, वहां से आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देखनी है तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे आप अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो जो इस चैनल पर आपको नहीं मिल रही, कोई वीडियो ऐसी है जो मैंने अपलोड नहीं की, वो भी अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर टॉपिक नेम जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सोशल मीडिया के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।